देखिए जी, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो मैं आपको एक पहले एक बात बताऊं कि जो टैक्स ईयर होता है, इनकम टैक्स पर्पस के लिए जो टैक्स ईयर होता है उसकी डेट स्टार्ट होती है 6 अप्रैल से और वो ईयर एंड होता है 5 अप्रैल के ऊपर। सही है, कोई भी टैक्स ईयर होगा, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक टैक्स ईयर बनाता हूँ एंड दैट टैक्स ईयर स्टार्ट्स फ्रॉम 6 अप्रैल 2019, और तो वो एंड कब होगा? वो एंड होगा 5 अप्रैल 2020 के अंदर, ठीक है। तो पूरा साल कंप्लीट होगा। अब इस टैक्स ईयर को मैं लिखता कैसे हूँ, ये अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस टैक्स ईयर को मैं लिखूंगा कैसे? ये टैक्स ईयर है 19, लेकिन हम इसे लिखते हैं 1920, ठीक है जी। यानी कि 6 अप्रैल 2019 से स्टार्ट हुआ, 5 अप्रैल 2020 में खत्म हुआ, तो यह है टैक्स ईयर 19, लेकिन हम लिखते हैं 1920, ठीक है। अच्छा, इसी तरह अगर मैं आपको कहूं कि एक टैक्स ईयर 16 में स्टार्ट हुआ और 5 अप्रैल 2017 में खत्म हो रहा है, तो आप ये देखें जहां वो एंड हो रहा है ना उसको नहीं देखते हम, बल्कि वो जहां से स्टार्ट होता है उसको देख के लिखते हैं कि ये टैक्स ईयर क्या है। ये टैक्स ईयर है 16-17। ये चीज क्लियर कर लें कि टैक्स ईयर जहां से शुरू होता है उसको देखते हुए हम उसकी डेट आइडेंटिफाई करते हैं कि ये 16-17 है या 17-18 है। तो अब अगर मैं कहूँ फॉर एग्जाम्पल कि टैक्स ईयर 13-14 है, तो मेरे जहन में क्या आएगा कि ये 6 अप्रैल 2013 को स्टार्ट हुआ होगा और 5 अप्रैल 2014 को एंड हुआ होगा, ठीक है जी। अब इसको इसको बेस बनाकर हम इस टॉपिक को लेके आगे चलते हैं। अब देखें, ये तो टैक्स ईयर हो गया, ठीक है। लेकिन सोल ट्रेडर हो या पार्टनरशिप हो, तो वो जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाता है तो उसका एक अकाउंटिंग पीरियड होता है, अकाउंटिंग पीरियड। एंड यू नो दैट कि अकाउंटिंग पीरियड जो है वो 12 महीने का भी हो सकता है, अकाउंटिंग पीरियड जो है वो ग्रेटर देन 12 महीने का भी हो सकता है, अकाउंटिंग पीरियड जो है वो लेस देन 12 महीने का भी हो सकता है। देर इज नो रिस्ट्रिक्शन, अकाउंटिंग ईयर कोई भी हो सकता है। अच्छा, ज्यादातर अकाउंटिंग ईयर 12 महीने का ही होता है, लेकिन जब बिजनेस का पहला साल हो या बिजनेस का आखिरी साल हो तो यूजुअली अकाउंटिंग ईयर डिस्टर्ब हो जाता है और वो लेस देन या ग्रेटर देन के केस में जाता है। मसलन कैसे? फॉर एग्जांपल, एक बिजनेस स्टार्ट हुआ 1 जनवरी 2018 को, एक बिजनेस स्टार्ट हुआ, अच्छा, अब उसे अकाउंटिंग ईयर बनाना है 30 अप्रैल को। सही है, कब बनाना है? 30 अप्रैल को। तो या तो उसका पहला अकाउंटिंग ईयर इमीडिएटली हो जाएगा, या फिर वो सोच रहा है कि यार मुझे 30 अप्रैल को तो बनाना है लेकिन 4 महीने के तो रिजल्ट्स कुछ भी नहीं आएंगे, तो मैं एक काम करता हूँ, पहला अकाउंटिंग ईयर बनाता हूँ 30 अप्रैल 2019 को, यानी कि 1 जनवरी 2018 से 30 अप्रैल 2018 पे या तो वो खत्म कर देगा या फिर वो खत्म करेगा 30 अप्रैल 2019 के ऊपर। अगर वो 1 जनवरी 2018 से 30 अप्रैल 2018 पे खत्म करता है तो हम कहेंगे पहला अकाउंटिंग पीरियड कितने महीने का बना? 4 महीने का। और अगर वो इस वाले केस पे जाता है तो फिर अकाउंटिंग पीरियड बनेगा 16 महीने का, और उसके बाद वो ट्रैक पर आ जाएगा, हर साल ईयर एंड करेगा 30 अप्रैल 2019, 2020, 2021, 2022, इस तरह से चलेगा। इसका मतलब है उसका जो पहला अकाउंटिंग पीरियड है वो यूजुअली डिस्टर्ब हो जाता है। मैं ये नहीं कह रहा कि 12 महीने का नहीं बनता, पहला अकाउंटिंग पीरियड भी 12 महीने का हो सकता है, लेकिन ये यूजुअली डिस्टर्ब हमें नजर आता है, ठीक। अब देखें, नॉर्मली आपने जो भी सवाल किया सोल ट्रेडर का, मसलन आपने एक सवाल उठाया, उसके अंदर उसने अकाउंटिंग पीरियड स्टार्ट किया 1 जनवरी से और एंड कर दिया 31 दिसंबर 2019 पे, ये उसका अकाउंटिंग पीरियड, ठीक है। और इस अकाउंटिंग पीरियड में उसने प्रॉफिट अर्न किया फॉर एग्जाम्पल $40,000 का, 40,000 pounds का, ठीक है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस प्रॉफिट एंड लॉस पे, assuming ये tax adjusted trading profit है, हमने इसको convert कर लिया, तो इस profit पे वो tax किस साल में देगा, किस tax year में देगा, सही है? क्योंकि 1 जनवरी 2019 से लेके December 2019, तो अगर मैं tax year बनाना चाहूं तो मेरा tax year तो 1920 का शुरू होता है 19 से और 5 अप्रैल 2020 तक जाता है। अब इसको देखकर हमें लगता ऐसा है कि पार्ट ऑफ द प्रॉफिट विल बी टैक्स्ड इन 1920
एंड पार्ट ऑफ द प्रॉफिट विल बी टैक्स्ड इन 1819। लेकिन ऐसा नहीं होता, बल्कि टैक्स अथॉरिटी ये देखती है कि आपकी जो भी ईयर एंड की डेट है, आपकी जो भी ईयर एंड की डेट है, वो ईयर एंड की डेट किस टैक्स ईयर में फॉल कर रही है। तो आपका ईयर एंड क्या हुआ, दिसंबर 19। अब ये दिसंबर 19 की जो डेट है, ये जिस टैक्स ईयर में फॉल करेगी, उस टैक्स ईयर में आपका असेसिबल प्रॉफिट क्रिएट हो जाएगा। यानी कि आपको पूरे 40,000 पे टैक्स किस टैक्स ईयर में देना पड़ेगा, जिस टैक्स ईयर में दिसंबर 19 की डेट फॉल कर रही होगी। अब मुझे सोचना पड़ेगा कि दिसंबर 19 किस में फॉल हो रहा है। तो अभी तो मैं आपको बता देता हूं कि दिसंबर 19 1920 के टैक्स ईयर में फॉल हो रहा है। तो हमारा जो भी प्रॉफिट डिटरमाइन हुआ इस पीरियड में, उसका टैक्स पीरियड क्या होगा, उसका टैक्स पीरियड होगा 19 एंड 20। ये जो प्रोसेस हम करने जा रहे हैं कि अकाउंटिंग ईयर को टैक्स ईयर के अंदर शिफ्ट करना, दिस इज कॉल्ड आइडेंटिफिकेशन ऑफ बेसिस पीरियड। पहले तो मैं इसकी डेफिनेशन लिखता हूं, फिर हम उस पर आगे बात करते हैं, ठीक है। अकाउंटिंग पीरियड एट्रीब्यूटेबल फॉर अ पर्टिकुलर टैक्स ईयर इज कॉल्ड बेसिस पीरियड। यानी कि कोई भी गिवन अकाउंटिंग पीरियड का पर्टिकुलर टैक्स ईयर, रेलेवेंट टैक्स ईयर आइडेंटिफाई करना, उसको कहते हैं बेसिस पीरियड, ठीक है। अब मैं आप लोगों को एक थोड़ी सी ट्रिक सिखाने वाला हूं कि किस तरह ईयर एंड को देखकर टैक्स ईयर पकड़ते हैं। तो एग्जांपल नंबर वन, मेरा टैक्स ईयर एंड होने जा रहा है 31st December 2018। अकाउंटिंग ईयर पकड़ते हैं, टैक्स ईयर पकड़ते हैं, टैक्स ईयर क्या होगा, मैंने दिसंबर 18 को देखा और मैं लिख रहा हूं 18-19। अब मुझे जरा चेक करें कि मैं कैसे पिक कर रहा हूं। फिर मैंने एक और डेट बनाई और वो डेट बनी जून 16, ये अकाउंटिंग ईयर है, ठीक है, से 30th जून से, फॉर एग्जांपल जुलाई कर देते हैं, जुलाई 16 से 30th जून 17। अब इसको मैंने लिख दिया 17-18। ट्रेंड फॉलो करें, मैं कैसे चेक कर रहा हूँ, मैं चेक करता हूँ एंडिंग डेट और उसका रेलेवेंट टैक्स ईयर सोचता हूँ। मुझे तो प्रैक्टिस है, आप लोगों को तो सोचना पड़ेगा, मुझे तो प्रैक्टिस है, लेकिन मैं आपको ट्रिक सिखा रहा हूँ जिससे आपको सोचना नहीं पड़ेगा, जस्ट फॉलो मी। इसी तरह एक टैक्स ईयर स्टार्ट होता है, से सपोज 1st अक्टूबर को स्टार्ट होता है, तो वो एंड कहाँ होगा, अगर 1st अक्टूबर को स्टार्ट हुआ है तो वो एंड होगा 30th सितंबर में, 15 में। तो मैंने उसका टैक्स ईयर बना दिया 15-16, सही है। तीनों में कॉमन बात चेक करें, तीनों में कॉमन बात ये है कि जहां वो एंड होता है, अगर वो 18 पे एंड हुआ तो मैंने 18-19 लिखा, अगर वो 17 पे एंड हुआ तो 17-18 लिखा, अगर वो 15 पे एंड हुआ तो 15-16 लिख दिया। अब एक नई चीज करता हूं, अब चेक करें, एक पीरियड ऑफ अकाउंट जो के स्टार्ट हुआ 1st Feb 12 से और 31st January 13 पे एंड हुआ। अब देखें इसका टैक्स ईयर मैंने लिखा 12-13। अब स्टूडेंट के माइंड में सवाल आया कि आपने इसको 13-14 क्यों नहीं लिखा। तब एक ट्रिक पकड़ें, ट्रिक ये पकड़ें कि जब मेरा ईयर एंड की डेट, ईयर एंड की डेट इन तीन एग्जांपल में जो फॉल हो रही है ईयर एंड की डेट, वो आफ्टर 6th अप्रैल थी, लेकिन इस एग्जांपल में मेरी जो ईयर एंड है वो बिफोर 6th अप्रैल थी। अब आप इससे ट्रिक पकड़ेंगे कि जब आपकी ईयर एंड की डेट 6th अप्रैल के बाद होगी तो आप लिखते वक्त पहले क्या लिखेंगे, 18 फिर 19, 17 फिर 18, 15 फिर 16, लेकिन जहां आपकी डेट 6th अप्रैल से पहले वाली हुई तो अब आप ईयर एंड लिखते वक्त 13-14 नहीं लिखेंगे बल्कि 12-13 लिखेंगे। जस्ट गिव यू अनदर एग्जाम्पल, इस 4th वाली के ऊपर मैं आपको एक एग्जाम्पल और पकड़ाता हूं ताकि आप जज कर सकें
के कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, राइट? सो फॉर एग्जाम्पल से सपोज मैंने इसको एंड कर दिया 28 फरवरी 2019, इससे मैंने स्टार्ट लिया और एंड किया, और 1 मार्च 2018 ये मैंने एक पीरियड ऑफ अकाउंट बनाया, होपफुली ये 12 महीने का है। अब इसके अंदर आप ये भी लिख सकते हैं कि ये 19-20 है, आप ये भी लिख सकते हैं कि ये 18-19 है। कौन सा रेलेवेंट है, 18-19 रेलेवेंट है या 19-20 रेलेवेंट है? जो मैंने ट्रिक बताई है, अगर ये 6 अप्रैल से पहले की डेट है तो हम 19-20 नहीं लिख सकते, हम क्या लिखेंगे, ये 18-19 है। अब अगर ये 18-19 है तो आपको चेक नहीं करना, मैं चेक करके बता रहा हूं कि अगर 18-19 होगा तो कहां से स्टार्ट होगा, 6 अप्रैल 18 से और 5 अप्रैल 19 में जाएगा, यही होगा ना। तो क्या ये डेट 28 फरवरी 19 की इस ईयर में आ रही है, फॉल कर रही है? यस, 28 फरवरी 19 इसके अंदर लाए कर रहा है। इसका मतलब है मेरी लॉजिक जो है वो बिल्कुल क्लियर है, और मैं अपनी लॉजिक के हिसाब से ईयर एंड की डेट चेक करूंगा, फिर देखूंगा कि वो 6 अप्रैल से बाद वाली है या पहले वाली है, और उसके अकॉर्डिंगली मुझे टैक्स ईयर लिखना आ जाएगा कि 18-19 है या 19-20 है या जो भी है, व्हाटएवर जो भी। सो आप जरा इसको एक नजर यहाँ पर जरा चेक कर लें और मुझे अपना फीडबैक दें, इज दिस कॉन्सेप्ट क्लियर? क्योंकि टॉपिक समझाने के लिए ये पता होना बहुत जरूरी है, अगर ये क्लियर नहीं होगा तो आप सर टकराते रहेंगे दीवार से कि टॉपिक क्या चल रहा है, और अगर ये क्लियर हो गया सो देन इट वुड बी एन इजी केस, फिर सिर्फ रूल समझने पड़ेंगे। हाँ जी सर, बस यही है ना, मतलब जो ईयर एंड है उससे आगे और पीछे का, जैसे 31st Jan 13 है तो 12-13। बिल्कुल 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 बिल्कुल, दिस इज द इजीएस्ट लॉजिक, जिसकी बेसिस के ऊपर ये कॉन्सेप्ट जो है, जो इतना डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट है कि बार बार टाइम लाइन बनाओ और देखो कहाँ जा रहा है, तो आप शॉर्टकट में ये इजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आप ये देखेंगे कि अगर वो दिसंबर 18 है तो आप कहेंगे यार ये अप्रैल के बाद आ रहा है, 18-19 लिख दो, लेकिन अगर वो सितंबर 18 है तब भी सही है, अगर वो अगस्त 18 है सब भी सही है, अगर वो मई 18 है तब भी सही है, अगर वो अप्रैल 18 है तब भी सही है, लेकिन जहां वो मार्च 18 बना तो अब आप कहेंगे 18-19 नहीं होगा, 17-18 होगा। चले आगे बढ़े, लेकिन अगेन इस चीज को समझने के लिए जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाएंगे वैसे वैसे चीजें क्लियर होती चली जाएंगे। आगे बढ़े, अब चलते हैं। जी भाई, सर अगर ये लॉन्ग पीरियड हो और मसलन 1 मार्च से स्टार्ट हो रहा है, 1 मार्च 19 से, और एंड हो रहा है अगस्त 20 को, तो भाई अभी अभी लॉन्ग पीरियड कहाँ से आ गया, अभी तो लॉन्ग पीरियड शॉर्ट पीरियड और 12 महीने की तो बात ही नहीं की, वो तो अब हम शुरू करेंगे। मैंने तो अभी ये सिर्फ सिखाया है कि डेट कैसे पिक करते हैं, 18-19 से या 20-21 से। मसलन अगर मैं तुम्हारी डेफिनेशन पे जाऊँ और एक लॉन्ग पीरियड बनाऊँ, से सपोज ये देखो लॉन्ग पीरियड 1 जनवरी 18 से 30 अप्रैल 19, सही है? तो अभी तो हम लॉन्ग की बात ही नहीं कर रहे, हम कहेंगे कि ईयर एंड अप्रैल 19 में आया, तो मैं 19 को देख के कहूंगा 19-20, क्योंकि ये 6 अप्रैल के बाद है, सही है? तो अभी तो मैं ये डिस्कस ही नहीं कर रहा कि 12 महीने का होगा, लेस देन होगा, इक्वल टू होगा, अभी तो मैं सिर्फ सिखा रहा हूँ कि जहां भी ईयर एंड फॉल होगा उसको देखकर पिक कैसे करते हैं कि टैक्स ईयर कौन सा होगा। तो मेरे लॉजिक के हिसाब से ये क्या है, क्या मैंने ठीक लिखा 19-20 या 18-19 होना चाहिए था, सही है ना, 19-20। अच्छा, अगर अगर फॉर एग्जांपल अकाउंटिंग ईयर भी ये बना दिया जाए 1 अप्रैल से 31 मार्च, अगर अकाउंटिंग ईयर को ये बना दे फिर तो जिंदगी आसान, टैक्स ईयर एंड अकाउंटिंग ईयर सेम, फिर तो मसला ही नहीं है। तो मसला कब आता है, जब अकाउंटिंग ईयर यूजुअली डिफरेंट होता है और टैक्स ईयर यूजुअली डिफरेंट होता है, ठीक है? अब हम आगे बात करते हैं इसके ऊपर के देखें, जो भी सोल ट्रेडर या पार्टनरशिप बिजनेस होता है उसकी 3 स्टेजेस होती है, बी केयरफुल अब आप सही वाला काम शुरू कर रहे हैं। एक होता है ऑनगोइंग बिजनेस, ongoing business का मतलब business पिछले कुछ साल में शुरू हुआ था
और बिजनेस रनिंग कंडीशन पे चल रहा है, ऑन गोइंग है, ठीक है। या एक होता है कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। कमेंसमेंट का मतलब होता है बिजनेस का पहला साल है, इसके रूल सबसे ट्रिकी है, कमेंसमेंट। और एक बिजनेस की स्टेज होती है सिसेशन, क्लोजर, एंड ऑफ बिजनेस। ये आपके पास तीन स्टेज ऑफ बिजनेस से आप होके गुजरते हैं, और इन तीन स्टेजेस के रूल बिल्कुल डिफरेंट है। ऑनगोइंग का बेसिस पीरियड अलग, कमेंसमेंट का अलग, सिसेशन का अलग। अच्छा, ये जो तीन रूल हैं, ये सोल ट्रेडर पे भी अप्लाई होते हैं, और ये अकॉर्डिंगली किस पे अप्लाई होते हैं? पार्टनरशिप तीन तरह की होती है ना, एक वो पार्टनरशिप जो चल रही है, एक वो पार्टनरशिप जो चल रही थी उसमें नया पार्टनर आया, एक वो पार्टनरशिप है जो चल रही थी एक पार्टनर छोड़ के चला गया। तो नए आने वाले के लिए कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, और छोड़ के जाने वाले के लिए सिसेशन ऑफ बिजनेस, और जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं उनके लिए ऑनगोइंग बिजनेस। सो ये जो टॉपिक है इसकी इंपॉर्टेंस इसलिए और बढ़ जाती है कि ये सोल ट्रेडर पे भी अप्लाई होता है और ये पार्टनरशिप पर भी अप्लाई होता है, ठीक है। आइसोलेशन में इस टॉपिक की इंपॉर्टेंस नहीं है, कनेक्टिविटी बनती है सोल ट्रेडर के साथ, पार्टनरशिप के साथ, लेकिन ये टॉपिक कॉरपोरेशन पे या कंपनी पे अप्लाई नहीं होता, तो वहां जाके बचत हो जाएगी हमारी। लेकिन हमें सोल ट्रेडर, मैं आपको जब सोल ट्रेडर का कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा तो पार्टनरशिप का ऑटोमेटिकली हमारी समझ में आ जाएगा किस तरीके से काम करते हैं। अब हम वन बाय वन चलते हैं और पहले बात करते हैं कौन से बिजनेस की, ऑनगोइंग बिजनेस। एक ऑनगोइंग बिजनेस है और उसका अकाउंटिंग ईयर एंड आपको दिया जाता है कि उसका अकाउंटिंग ईयर एंड है 31 दिसंबर 2016, जिसमें उसने 50,000 का प्रॉफिट बनाया। फिर उसके बाद नेक्स्ट उसका अकाउंटिंग ईयर एंड आया 31 दिसंबर 2017, उसमें उसने 40,000 का प्रॉफिट बनाया। उसके बाद उसका अकाउंटिंग ईयर एंड आया 31 दिसंबर 2018, उसमें उसने 60,000 का प्रॉफिट बनाया। सही है। अब आपसे पूछा जाता है कि ये बताएं वो 50,000 के प्रॉफिट पे किस टैक्स ईयर में टैक्स देगा, 40,000 का टैक्स किस टैक्स ईयर में देगा। तो हम कहेंगे यार ये बताओ ऑनगोइंग बिजनेस का बेसिस पीरियड क्या होता है या बेसिस ईयर क्या होता है। बेसिस पीरियड कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, तो उसका जो रूल है वो रूल ये है कि ऑनगोइंग बिजनेस का बेसिस पीरियड होता है करंट ईयर बेसिस। क्या होता है? करंट ईयर बेसिस। अब ये करंट ईयर बेसिस क्या है? करंट ईयर बेसिस का मतलब ये होता है जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को सिखाया कि आप ये देखेंगे कि डेट किस में फॉल हो रही है। सो 31 दिसंबर 2016 किस में फॉल हो रही है? 31 दिसंबर 2016 फॉल हो रही है 16-17 में। तो 16-17 में कितने प्रॉफिट पे टैक्स देगा? 50,000। 31 दिसंबर 2017 किस में फॉल हो रही है? ये फॉल हो रही है 17-18 में, तो इसके ऊपर वो 40,000 पर टैक्स 17-18 में देगा। और 31 दिसंबर 2018 फॉल हो रही है 18-19 में, तो 18-19 में वो 60,000 पे टैक्स देगा। इट्स अ पीस ऑफ केक कि आप ईयर एंड आइडेंटिफाई कर लें और उसका रेलेवेंट पीरियड आइडेंटिफाई कर लें। लेकिन रूल क्या है ऑनगोइंग बिजनेस का बेसिस पीरियड का? रूल क्या है? करंट ईयर बेसिस। देखो एक बात ध्यान में रखें, अगर कोई नया बिजनेस स्टार्ट भी होगा ना तो कुछ टाइम के बाद वो ऑनगोइंग तो बनता ही है, तो आपको ला महल्ला बाय एनी मीन्स आपको ऑनगोइंग का रूल तो अप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन नए बिजनेस पे नहीं, जब वो बिजनेस इस स्टेज पे पहुंच जाए कि उसको हम ऑनगोइंग बिजनेस कह सकते हैं कि ये चल रहा है, ठीक है। अब इसके अंदर एक एग्जांपल और ले लेते हैं ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि ऑनगोइंग बिजनेस में, मैं दूसरी वाली एग्जांपल भी सेट कर लेता हूं। एक ऑनगोइंग बिजनेस है और उसने अपना अकाउंटिंग पीरियड एंड किया हुआ है 28 फरवरी 2012, 28 फरवरी अगला साल आया 13, 28 फरवरी 14। ये 3 साल का डेटा मैं आपको दे रहा हूँ। और प्रॉफिट यहाँ पर हुआ 50,000, प्रॉफिट यहाँ पर हुआ 80,000, प्रॉफिट हुआ 95,000। आइडेंटिफाई बेसिस पीरियड। तो
हमने ये देखा कि ये ऑनगोइंग बिजनेस है, यस ये ऑनगोइंग बिजनेस है, तो हम इसका करंट ईयर बेसिस आइडेंटिफाई करेंगे। तो 28 फरवरी 12 का करंट ईयर बेसिस क्या होगा, 12 13 या 11 12, क्या ख्याल है? जो रूल मैंने सिखाया उस हिसाब से क्या होगा, 11 12। उसके बाद नेक्स्ट का क्या होगा, 12 13। उसके बाद नेक्स्ट का क्या होगा, 13 14। अब क्यों भाई 13 14, 14 15 क्यों नहीं? तो क्योंकि हमारी डेट 6 अप्रैल से पहले वाली है, इसलिए यहां पर मैंने क्या किया, 28 फरवरी 12 को 12 13 लिखने के बजाय 11 12 लिखा। ये चीज क्लियर हो जानी चाहिए सबको इस एग्जांपल में और प्रीवियस एग्जांपल के अंदर, कि वहां पर डेट थी 6 अप्रैल के बाद वाली एयर एंड की और यहां पर डेट है 6 अप्रैल से पहले वाली। सो ऑनगोइंग बिजनेस तो बहुत आसान है, ऑनगोइंग बिजनेस में तो आप उसको इजीली टैकल कर सकते हैं, सही है। अच्छा, जब भी हम बेसिस पीरियड का सवाल सॉल्व करते हैं तो उसके लिए हमारी जो तरीका है लिखने का, वो तरीका लिखने का ये होगा कि हम उसका जो फॉर्मेट इस्तेमाल करेंगे वो ऐसे इस्तेमाल करेंगे कि हम पहले लिखेंगे टैक्स ईयर, उसके बाद लिखेंगे बेसिस पीरियड अगर हमें मैन्युअली सवाल सॉल्व करना हो, और यहाँ लिखेंगे प्रॉफिट या लॉस या लिखेंगे असेसेबल प्रॉफिट। ये तीन कॉलम के अंदर सवाल सॉल्व करेंगे। सो अगर मैं अपनी पहली वाली एग्जाम्पल को सॉल्व करूँ तो यहाँ पर मैंने आइडेंटिफाई किया था 16-17 करंट ईयर बेसिस 50,000। तो मैं लिखूंगा 16-17 करंट ईयर बेसिस एंड 50,000। फिर लिखूंगा 17-18 करंट ईयर बेसिस और उसके बाद रेलेवेंट प्रॉफिट कितना बन रहा था, 40,000। इस तरह से ये सवाल सॉल्व करने का पैटर्न आपको आइडेंटिफाई करना है। सो ongoing business, पहला रूल डन, वेरी सिंपल, कोई मसले वाली बात इसके अंदर नहीं है। आपको सिर्फ ईयर एंड की डेट चेक करनी है, रेलेवेंट टैक्स ईयर में लिखना है, काम हो जाएगा। यहाँ तक सब क्लियर है? क्योंकि अब आ रही है कमेंसमेंट की बारी, विच इज वेरी वेरी टफ, जो ना रूल्स में आपको बताने जा रहा हूँ। शैल वी प्रोसीड? चलें आगे बढ़ते हैं। कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, बिगिनिंग में हमने डिस्कस किया था कि जब एक बिजनेस अपना बिजनेस शुरू करता है, जब एक सोल ट्रेडर और पार्टनरशिप बिजनेस अपना बिजनेस शुरू करता है, तो जो पहला ईयर बनाता है वो ज्यादातर लेस देन ग्रेटर देन का होता है। बहुत लाइकली चांसेस हैं कि वो 12 महीने का भी पीरियड बना सकता है, तो हम ये नहीं कह सकते कि पीरियड क्या होगा, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन जो टैक्स के रूल हैं उसके हिसाब से वो ये कहते हैं कि आपका जो पहला टैक्स ईयर होगा ना, हमेशा फर्स्ट टैक्स ईयर, वो वैसे आइडेंटिफाई नहीं करेंगे जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले ऑनगोइंग के लिए आइडेंटिफाई किया। वो कहते हैं आपका जो पहला टैक्स ईयर होगा वो हमेशा स्टार्ट होगा कमेंसमेंट से और 5th अप्रैल पे जाकर आप उसे एंड कर दें, कमेंसमेंट के बाद जो 5th अप्रैल आएगा। हालांकि टैक्स ईयर हमेशा 12 महीने का होता है, लेकिन पहले साल में टैक्स वाले हमें अलाउ करते हैं कि आप लेस देन 12 महीने का अगर टैक्स पीरियड बन जाए तब भी सही है, कोई मसला नहीं, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं। लेकिन पहले साल के बाद ये बात ध्यान में रखें कि टैक्स ईयर हमेशा 12 महीने का होता है। पहले साल में टैक्स ईयर 12 महीने से कम अलाउ किया जा सकता है, पहले साल के बाद अलाउ नहीं किया जाएगा। तो जैसे ही बिजनेस शुरू होता है और आपको बताया जाता है कि बिजनेस शुरू हुआ एक पर्टिकुलर डेट पे, तो आप उसका पहला टैक्स ईयर कब से स्टार्ट करेंगे, उसका पहले टैक्स ईयर की डेट स्टार्ट होगी कहां से, हमेशा कमेंसमेंट से, और कहां जाके एंड होगी, 5th अप्रैल पे, चाहे 5th अप्रैल एक महीने बाद आए या 13 महीने बाद आए। मसलन फॉर एग्जांपल,
एक बिजनेस ने, एक सोल ट्रेडर ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया 1 जनवरी 18 को, और अपना पहला ईयर एंड सोल ट्रेडर ने बनाया 30 जून 2018। अकाउंटिंग पीरियड उसने एंड कर दिया जून 18 पे। क्या ये एक 12 महीने का अकाउंटिंग पीरियड है, लेस देन 12 महीने है, ये ग्रेटर देन 12 महीने? तो आंसर आएगा सर ये 6 महीने का अकाउंटिंग पीरियड, इट्स अ शॉर्ट अकाउंटिंग पीरियड, राइट। अब इसका जो टैक्स ईयर में फाइंड आउट करूंगा, पहला टैक्स ईयर जो इसका फाइंड आउट किया जाएगा वो पहला टैक्स ईयर एज पर द रूल कहां से शुरू होगा? हम स्टार्ट करेंगे कमेंसमेंट, दैट इज 1 जनवरी 18 से टैक्स ईयर स्टार्ट होगा, लेकिन 5 अप्रैल 18 पे जाके टैक्स ईयर खत्म हो जाएगा। पहला टैक्स ईयर 5 अप्रैल 18 पे जाके खत्म हो जाएगा, यानी के जैन फेब मार्च 3 महीने का टैक्स ईयर बना। हालांकि अकाउंटिंग पीरियड कितना है? अकाउंटिंग पीरियड 6 महीने का है, लेकिन टैक्स ईयर जो पहला बनेगा वो सिर्फ 3 महीने का बनेगा। सिमिलरली टेक अनदर एग्जांपल, एक बिजनेस कमेंस्ड हुआ ऑन 1 जुलाई 18 और उसने 30 जून 19 को अपना बिजनेस का पहला साल एंड किया। तो यहां पर आप देख रहे हैं 12 महीने बन रहे। अब टैक्स ईयर का जो रूल है वो वही रहेगा सेम। कहां से स्टार्ट करेंगे? कमेंसमेंट से स्टार्ट करेंगे, और उसके बाद जो पहली 5 अप्रैल आएगी, पहली 5 अप्रैल कहां जाके एंड होगी? 19 पे जाके एंड होगी। तो वो हमारा टैक्स ईयर बन गया जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च। अप्रैल के 5 दिन छोड़ने हैं ना, वो काउंट नहीं करेंगे। तो हमारा जो टैक्स ईयर की टाइमिंग बनी वो कितने महीने की बनी? 9 मंथ्स की बनी। एक और एग्जांपल लेते हैं लॉन्ग पीरियड की। कमेंसमेंट हुई फॉर एग्जांपल, कमेंसमेंट हमारी हुई फॉर एग्जांपल 1 अगस्त 18 और 31 दिसंबर 19। ये अकाउंटिंग पीरियड हमने बनाया। ये अकाउंटिंग पीरियड अगर देखा जाए तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, दिसंबर 18 पे 5 महीने होते हैं और पूरा 12 महीने का अगला साल। तो ये तकरीबन 17 मंथ्स का अकाउंटिंग पीरियड हमने बनाया। लेकिन मेरा जो पहला टैक्स का रूल है, फर्स्ट टैक्स ईयर विल रिमेन द सेम। कहां से स्टार्ट होगा? कमेंसमेंट से स्टार्ट होगा और फॉलोइंग 5 अप्रैल पे जाकर मैं इसे ब्रेक लगाऊंगा, रुक जाऊंगा। तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, 3, 6, 8 महीने का अकाउंटिंग। इसमें डेट काउंट करने में बहुत गलती होती है, तो हमेशा रीचेक कर लें। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, 3, 6, 8 महीने का पीरियड बन। तो ये मैंने एग्जांपल दे दी आपको, तीनों एग्जांपल दे दी कि बिजनेस स्टार्ट हुआ शॉर्ट अकाउंटिंग पीरियड से 12 महीने से और ग्रेटर देन 12 महीने से, लेकिन जो मेरा रूल है फर्स्ट टैक्स ईयर का वो रूल विल रिमेन द सेम। उस रूल के अंदर कोई चेंज नहीं आएगा। ये रूल आपको बड़ी आराम से समझ में आ जाएगा। झगड़ा शुरू होगा दूसरे साल से, पहले साल से झगड़ा शुरू नहीं होगा। पहले साल का रूल तो ये आप फिक्स कर लें। पहला साल कब से शुरू होता है? कमेंसमेंट से स्टार्ट होगा और 5 अप्रैल पे जाकर एंड हो जाएगा। सही है जी। अच्छा, अब जरा एक छोटी सी एग्जांपल के जरिए इसको समझते हैं, पहले साल वाले रूल को, और उससे मैं सेकेंड ईयर का रूल एस्टेब्लिश करना आपको सिखाता हूँ। देखें, एक बिजनेस ने इब्तिदा की, कमेंसमेंट हुई 1 जनवरी 18 को और पहला अकाउंटिंग ईयर एंड उसने बनाया 30 जून 18 को और उसे प्रॉफिट हुआ 20,000 का। वैसे तो नॉर्मली पहले साल में लॉसेस ही होते हैं, लेकिन आज का एजेंडा लॉस का नहीं है।
अगला साल वो जो बनाएगा ना वो स्ट्रेट हो जाएगा 30th June to 30th June 12 महीने का, और ये इस तरह से नॉर्मलाइज होके चलता चला जाएगा, और उसने अगले साल में 30,000 का प्रॉफिट कमाया और ये इसी तरह से चलता चला जाएगा। हमसे वो पूछेगा कि ये बताएं कि इसका पहला टैक्स ईयर कौन सा होगा, दूसरा टैक्स ईयर कौन सा होगा, तीसरा टैक्स ईयर कौन सा होगा, प्रॉफिट कितना होगा। तो हमने कहा पहले साल में तो हमें कोई मसला नहीं है, फर्स्ट ईयर तो हम चैंपियन है, फर्स्ट ईयर के अंदर तो इतना आसान रूल है। फर्स्ट ईयर कहाँ से स्टार्ट होगा, 1st January 2018 से स्टार्ट होगा और 5th April पे जाके रुक जाएगा, 5th April 2018। तो जैन फेब मार्च 3 महीने का पहला टैक्स ईयर बनेगा। प्रॉफिट कितने प्रॉफिट पे टैक्स दूंगा मैं, 20,000 × 3/6 यानी के मेरा असेसिबल प्रॉफिट कितना होगा पहले टैक्स ईयर में, असेसिबल प्रॉफिट हो गया 10,000। और टैक्स ईयर आइडेंटिफाई करें, टैक्स ईयर कौन सा हुआ, कोई बताएगा इसका टैक्स ईयर क्या लिखूं, 17-18 लिखूं, 18-19 लिखूं, क्या लिखूं, 17-18 वाला नहीं है, 18, 19 सर है, 18-19 वाला, तुमने नाश्ता नहीं किया लगता 18-19 वाले ने। भाई टैक्स ईयर लिखने के लिए क्या देखते हैं, टैक्स ईयर लिखने के लिए क्या देखेंगे, 5th April 2018 पे हमने इस टैक्स ईयर को एंड कर दिया, तो 5th April 2018 डेट जो बनी उसके हिसाब से क्या लिखेंगे, उसके हिसाब से लिखेंगे 17-18, क्योंकि ये 6th April से पहली वाली डेट है। इंट्रो में मैंने क्या समझाया था, यही तो समझाया था कि जहां पर हम अपनी डेट एंड करते हैं उसको देखकर ये क्या बनेगा, 17-18 बनेगा, 18-19 नहीं बन सकता। हाँ अगर ये 30th April होता तो फिर मैं 18-19, ये देख के मत आइडेंटिफाई करो भाई, जो रूल बन रहा है उसके हिसाब से आइडेंटिफाई करो। गॉट इट, यस सर। अच्छा ये तो देखो मसला ही नहीं ना, पहला टैक्स ईयर तो कमेंसमेंट से स्टार्ट हुआ, 5th April पे जाके रुक जाएगा, मसला आएगा सेकंड टैक्स ईयर का। सेकंड टैक्स ईयर क्या होगा उसका रूल समझे, देखें एक बात सुने, अगर पहला टैक्स ईयर 17-18 का है तो दूसरा टैक्स ईयर 18-19 का होना चाहिए। ऑब्वियस सी बात है कि अगर पहला टैक्स ईयर 17-18 है तो दूसरा 20-21 नहीं हो सकता, 18-19 ही होगा, तो दूसरा टैक्स ईयर 18-19 होगा। लेकिन जब हम अपना पहला, बी केयरफुल, बड़ा इंपॉर्टेंट रूल बता रहा हूं, जब अपना पहला साल कंप्लीट कर लेंगे तो हम ये देखेंगे कि ये जो डेट है ना पहले साल के एंड की जो हमने बनाई थी अकाउंटिंग पीरियड की, ये किस टैक्स ईयर में लाए कर रही है। अगर ये डेट 18-19 में लाए कर रही है तो फिर हम आगे के रूल्स बनाएंगे, लेकिन अगर ये डेट सेकंड टैक्स ईयर में नहीं लाए कर रही तो फिर रूल बड़े अजीबोगरीब बनेंगे। तो पहले तो हम फोकस करते हैं कि जो आपका पहला ईयर एंड आया है उसकी डेट सेकंड टैक्स ईयर के अंदर फॉल हो रही है क्या, जून 18-18-19 के अंदर आ रहा है, तो उसका आंसर होगा यस। एग्रीड, जून 18-18-19 में आता है, हाँ या ना, यस सर। बस जैसे ही पहला टैक्स ईयर बना उसके बाद ईयर एंड की डेट को चेक करना है कि क्या वो सेकंड टैक्स ईयर के अंदर आ रहा है नहीं आ रहा। अगर आ रहा है और आपका आंसर आता है यस, अगर आपका आंसर आया यस तो फिर आप एक काम करेंगे, ये चेक करेंगे कि अकाउंटिंग पीरियड लेस देन 12 महीने का था, इक्वल टू 12 महीने का था या ग्रेटर देन 12 महीने का था। यस देखने के बाद आप ये आइडेंटिफाई करेंगे, पहले क्या देखेंगे, यस देखेंगे या नो देखेंगे। अगर यस आया तो फिर आप देखेंगे अकाउंटिंग पीरियड 12 महीने का है, लेस देन 12 महीने है या ग्रेटर देन 12 महीने। चलो एक एग्जांपल करते हैं और उसके हिसाब से चेक करते हैं कि हम ये जो यस वाला रूल है ये यहां तक पहुंचे। अच्छा ऊपर वाली जो एग्जाम्पल है उसमें पहला अकाउंटिंग ईयर 6 महीने का है तो उस हिसाब से मैं देखूं तो ये रूल फॉलो होता है, सही है, ठीक है। अब एक और रूल अप्लाई करते हैं और जस्ट चेक करते हैं
फॉर एग्जाम्पल बिजनेस कमेंसमेंट की डेट है 1 फेब 2018 से 31 दिसंबर 2018। एक सेकेंड, 1 फेब 2018 से स्टार्ट हुआ और पहला अकाउंटिंग ईयर एंड इस बिजनेस ने 31 दिसंबर 2018 पे क्लोज किया और उसको प्रॉफिट हो गया 10,000 का। इससे आप ये क्या पिक करेंगे, इससे आप ये पिक करेंगे कि ये शॉर्ट पीरियड ऑफ अकाउंट है, लॉन्ग है या नॉर्मल है। तो 1 फेब से अगर स्टार्ट हुआ और दिसंबर 18 पे खत्म हो गया तो कौन सा पीरियड है, शॉर्ट लॉन्ग या स्टैंडर्ड? शॉर्ट। शॉर्ट कितने महीने का है? 11 महीने। जिंदगी में तुम लोगों ने कभी महीने इतने गिने नहीं होंगे जितने टैक्स के पेपर में गिनोगे। फेब से स्टार्ट हो रहा है तो जनवरी हटा दो, 12 में से एक निकाल दो, 11 महीने होते हैं। इसका मतलब शॉर्ट अकाउंटिंग पीरियड है, ठीक है, राइट। और उसके बाद नेक्स्ट ईयर ये अकाउंटिंग ईयर एंड करेगा 31 दिसंबर 2019 में और ये इसी तरह से चलता जाएगा ऑनवर्ड्स। अब हमारे टैक्स रूल क्या कहते हैं, पहला टैक्स ईयर क्या होगा? 17-18। कहाँ से शुरू होगा भाई, पहले डेट आइडेंटिफाई करते हैं। 1 फेब 2018 से शुरू होगा और कहां तक जाएगा? 1 फेब 2018 से शुरू होगा और कहां तक जाएगा? 5 अप्रैल 2019 या 18 क्योंकि 1 फेब के बाद अप्रैल 18 में ही आएगी, ठीक है। अब ये जो पीरियड हमने आइडेंटिफाई किया, एक महीना फेब का, दूसरा महीना मार्च का और उसका टैक्स ईयर बनता है 17-18 और प्रॉफिट 10,000 मल्टीप्लाई बाय हाउ मच, फेब मार्च 2 महीने आउट ऑफ 11 महीने। टैक्स वाले ये कह रहे हैं भाई कि आप हमें आपका जो पीरियड ऑफ अकाउंट है 11 महीने का, 10,000 आपका प्रॉफिट है, लेकिन हम आपसे जो टैक्स लेंगे, कोई मुझे अमाउंट बताएगा 10,000 × 2/11 का? अब एक कॉन्सेप्ट समझो, हमने टैक्स वालों को कहा कि भाई 10,000 का जो प्रॉफिट है, ये जो 10,000 का प्रॉफिट है इसकी डेट चेक करो दिसंबर 18, तो ये तो 18-19 में फॉल हो रहा है, तो आप हमसे 18-19 में टैक्स लेना, 17-18 में मैं आपको कोई टैक्स नहीं दूंगा। वो कहेंगे जी आप जो ना अपना हिसाब अपने पास रखें, हमारा रूल ये कहता है कि आपको 17-18 में कुछ ना कुछ टैक्स देना है। आपने कहा चले बताएं कितना टैक्स देना है, उन्होंने कहा बस 10,000 नहीं दो, ये टैक्स दे दो आप 17-18 के अंदर। क्योंकि अकाउंटिंग रूल्स के हिसाब से अगर देखा जाए तो प्रॉफिट पे टैक्स 18-19 में देना चाहिए, लेकिन टैक्स वाले जो पहला साल बनाते हैं वो इसलिए इस तरह से डिजाइन करते हैं ताकि कोई टैक्स बचा ना सके, टैक्स डिले ना हो जाए। भाई देखो टैक्स तो हमें मिल ही जाएगा ना, आज मिले या कल मिले, लेकिन टैक्स वालों को भी तो मुल्क चलाना है ना भाई, तो वो टैक्स डिले करना अफोर्ड नहीं कर सकते, इसलिए वो रेलेवेंट ईयर आइडेंटिफाई करना जरूरी समझते हैं, ठीक है। ये तो हो गया लॉजिक। दूसरा साल सर, जी सर, ये जो 1818 है इस प्रॉफिट पे टैक्स देंगे ना? जी ये आपका टैक्सेबल प्रॉफिट है जिसके ऊपर आगे जाके रेट लगेंगे, सब कुछ होगा, ये टैक्स एडजस्टेड ट्रेडिंग प्रॉफिट है फॉर द ईयर 17-18। अभी तुम देखते जाओ आगे आगे कमाल होने वाला है, बहुत जबरदस्त कमाल आने वाला है, देखा क्या करते हैं। अच्छा, सेकंड टैक्स ईयर आइडेंटिफाई करने से पहले हम अपने आप से एक सवाल पूछेंगे कि जो पहला ईयर एंड हुआ है दिसंबर 18, क्या ये 18-19 में लाए कर रहा है, यस या नो? यस सर। तो मैं क्या देखूंगा, देखो मैं क्या देखूंगा, मैं ये देखूंगा पहले अकाउंटिंग ईयर एंड की डेट देखूंगा, क्या ये 18-19 में लाए कर रही है, तो आंसर आता है यस। फिर देखूंगा पीरियड ऑफ अकाउंट कितना है, तो आंसर आता है इट्स अ शॉर्ट पीरियड ऑफ अकाउंट। आंसर 12 महीने का भी आ सकता था, आंसर लॉन्ग का भी आ सकता था, वो मैं एग्जाम्पल टू एग्जाम्पल चलूंगा। तो ये जो मैंने एग्जाम्पल बनाई, इट्स अ शॉर्ट पीरियड ऑफ अकाउंट, पहला टैक्स ईयर उसके बाद दूसरा टैक्स। अच्छा
पहला टैक्स ईयर आइडेंटिफाई करते वक्त कोई देखने की जरूरत ही नहीं पड़ती कि ये शॉर्ट है, लॉन्ग है, नॉर्मल है. जब सेकंड टैक्स ईयर आइडेंटिफाई करेंगे तो देन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई कि ये शॉर्ट पीरियड है, ये मीडियम नॉर्मल पीरियड है या लॉन्ग पीरियड है. सही है, ये आइडेंटिफाई हो गया. अब सेकंड टैक्स ईयर की डेट आइडेंटिफाई करनी है. सेकंड टैक्स ईयर की डेट क्या होगी, तो बड़ा केयरफुली देखें सेकंड टैक्स ईयर का रूल क्या है. सेकंड टैक्स ईयर भी कहां से शुरू होगा, कमेंसमेंट से शुरू होगा और अगले 12 महीने तक जाएगा. अभी एतराजात उठाने की जरूरत नहीं है, आपका पैसा नहीं लगा हुआ, आपका बिजनेस नहीं है, चुपचाप जनाब जरा रूल समझें. एतराज करने वाले कहां से शुरू होगा, दोबारा कहां से शुरू होगा, फर्स्ट फेब 18 से शुरू होगा और कहां तक जाएगा, अगले 12 महीने तक. काउंट करें अगले 12 महीने, फेब मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी. फर्स्ट फेब से 31st जनवरी 19, वो कहेंगे ये 12 महीने का प्रॉफिट फाइंड आउट करो और इसके ऊपर हम टैक्स लगाएंगे अगले साल. टैक्स ईयर क्या बन रहा है, 18-19. आपने कहा भाई हेलो एक सेकेंड, क्या हो गया भाई, दोबारा क्यों, वाई दोबारा, दो मरतबा टैक्स ले रहा हूँ, मुझसे बेवकूफ समझा हुआ है, पाकिस्तानी समझा हुआ है. तो वो कहेंगे जी ये तो हमारा रूल है. अगर आपने अपना पीरियड ऑफ अकाउंट ऐसा बनाया कि जो कि शॉर्ट अकाउंटिंग पीरियड है उसकी डेट ऐसी बनाई, तो सेकंड ईयर का रूल शॉर्ट अकाउंटिंग पीरियड का हमेशा यही रहेगा. कहाँ से स्टार्ट होगा, कमेंसमेंट से स्टार्ट होगा और अगले 12 महीने तक 12 महीने का टैक्स पीरियड बनेगा, क्योंकि दूसरा साल हमेशा 12 महीने का होगा. और आपकी मर्जी से नहीं स्टार्ट होगा कि आप कहेंगे जी कहां से स्टार्ट करें, 5th अप्रैल के बाद से स्टार्ट करें, क्योंकि नहीं जी 5th अप्रैल से स्टार्ट नहीं होगा, दोबारा कमेंसमेंट से स्टार्ट होगा. ठीक है, राइट, ये बात समझ में आती है सबको? यस सर. अब अगर वीडियो चल रही है, क्या चीज, ओ मुबशर की शायद मेरे से वीडियो ऑन हो गई. मुबशर हरकतें नहीं करो भाई, तुम्हें पता है मैं क्लास में होता हूँ ना, इस टॉपिक को पढ़ाते हुए कोई हरकत करता है ना, मैं इस क्लास में झाड़ देता हूँ तो सही वाला, क्योंकि मेरी जो ना बड़ा दिमाग लगाना पड़ता है इस टॉपिक को तुम लोगों के दिमाग में घुसाने के लिए, जो ना बड़ा दिमाग चलता है, दिमाग चलाना पड़ता है, बच्चों वाला काम नहीं है. और मैं एट द एंड ऑफ द सेशन ये सुनना चाहता हूँ कि आपने कहा था ये तो बहुत मुश्किल टॉपिक है, ये तो बहुत आसान टॉपिक है, मेजॉरिटी के मुंह से ना. मुझे पता है सबकी कैपेसिटी है समझने की, किसी ने नाश्ता किया नहीं किया, कोई रात को 5 बजे सोया था सुबह उठ गया, दिमाग चल रहा है नहीं चल रहा है. लेकिन जो रेलेवेंट एवरेज स्टूडेंट्स होंगे ना उनके मुंह से मुझे ये सुनना है कि टॉपिक आसान है, मुश्किल नहीं, इसलिए आई एम जस्ट मेकिंग इट वेरी सिंपल और ईजी. अच्छा जी, अब प्रॉफिट तो मैंने फाइंड आउट ही नहीं किया कितने प्रॉफिट पे टैक्स देना है. तो एक बात ध्यान में रखें, 10,000 का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना था, उसमें से 1818 पे मैं ऑलरेडी टैक्स दे चुका 17-18 में. अब नंबर आया 18-19 का, टैक्स वालों ने ईयर मेरा बना के दे दिया, फर्स्ट फेब से स्टार्ट करो, 31st जनवरी 19 पे जाके खत्म कर दो. अब देखो मैं प्रॉफिट कैसे निकालता हूँ, जरा जस्ट सी हाउ आई कैन कैलकुलेट प्रॉफिट. जब मैं फर्स्ट फेब से 31st जनवरी पे जाऊंगा तो 31st दिसंबर पे तो ईयर एंड खत्म हुआ 10,000 का प्रॉफिट का. तो वो जो 10,000 का प्रॉफिट था वो कितने महीने का था, वो था 11 मंथ्स का. ये तो पूरा ले लिया मैंने, लेकिन मुझे तो 12 महीने पूरे करने ना. 31st दिसंबर 18 पे प्रॉफिट 10,000 पे खत्म हो गया, मुझे तो 12 महीने पूरे करने हैं. तो एक महीने का प्रॉफिट मैं आगे वाले पीरियड से उठाऊंगा. किस तरह से, 25,000 अगले साल का प्रॉफिट है 12 महीने का, उसमें से एक महीना मैंने यहां पर उठाया. कोई मुझे बताएगा 1/12 कितना होता है? 2083 को 10,000 में प्लस करो, 1283 ये निकाल दिया हमने.
अब टैक्स देने वाला यहाँ पर एक बहुत बड़ा एतराज करने वाला है, वो कह रहा है देखें मैंने 1818 आउट ऑफ 10,000 टैक्स तो पहले साल दे दिया था, आप मुझसे दोबारा 1818 दोबारा ले रहे हैं टैक्स, ये तो इसमें शामिल है। तो हम कहेंगे भाई ठीक है नो प्रॉब्लम, देना पड़ेगा आपको। और ये जो 1818 है जो कि मैं ऑलरेडी टैक्स दे चुका और दोबारा टैक्स दे रहा हूं, इसके लिए हम एक टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करेंगे एंड दैट टर्मिनोलॉजी इज कॉल्ड ओवरलैप प्रॉफिट। डुप्लीकेट हो गया प्रॉफिट, दो मरतबा डुप्लीकेट हुआ प्रॉफिट। 1818 पहले टैक्स ईयर में गया, उसके बाद 1818 इस 10,000 के अंदर शामिल है, ओवरलैप प्रॉफिट आ गया। अब हमने झगड़ना शुरू किया, झगड़ा शुरू हो गया, जैसे कराची में कोई किसी की गाड़ी मार देता ना तो दोनों मार रहे होते हैं और 50 लोग देख रहे होते हैं, तो झगड़ा शुरू हो गया। तो टैक्स वालों से पूछा भाई हम तो नहीं देंगे, उन्होंने कहा देखें अगर आपको तकलीफ है ना ओवरलैप प्रॉफिट की तो आप सीधा सा काम करें, ऐसा अकाउंटिंग ईयर डिजाइन करें जिससे ओवरलैपिंग आए ना, आपकी जो मतलूबा डेट है उससे ओवरलैप निकल रहा है, आपको ओवरलैप प्रॉफिट बेयर करना पड़ेगा। पहले तो बात समझ में नहीं आई उसकी, जब बात समझ में आ गई उसने कहा चले ठीक है हमने दो मरतबा टैक्स दे दिया, अब ये बताएं इसका होगा क्या। हमने कहा देखो हम ना जुल्म करने वाले लोग नहीं है, हम आपको, हमें भी पता है आपने दो मरतबा टैक्स दिया है, लेकिन इसके ऊपर हम आपको आपका दिया हुआ टैक्स वापस कर देंगे। ये सुन के उसकी जान में जान आई, चलो वापस तो मिलेगा, कब वापस मिलेगा? उसने कहा आपको वापस मिलेगा आपके लास्ट पीरियड ऑफ अकाउंट में, जब आप बिजनेस क्लोज कर रहे होंगे। ये सुन के तो बंदा वेंटिलेटर पे चला जाएगा, भाई मुझे क्या पता 20 साल के बाद बिजनेस बंद होगा, 25 साल के बाद बिजनेस बंद होगा। उसने कहा देखें यही सॉल्यूशन है, अगर आपको इससे बचना है तो आपको ओवरलैपिंग क्रिएट नहीं करनी, अपने अकाउंटेंट को बोलें कि ऐसा टैक्स ईयर बनाए, ऐसा पीरियड ऑफ अकाउंट बनाए जिस पर ओवरलैपिंग या तो आए ना, या ऐसा बनाए जिस पर ओवरलैपिंग जो है वो कम से कम हो। और उसका बेस्ट तरीका ये है कि या तो आप 12 महीने का अकाउंटिंग पीरियड बनाएं पहला ही, या फिर अकाउंटिंग ईयर को टैक्स ईयर के बराबर रखकर बनाएं। चाहिए अगर ये दो काम कर लिए जाए तो इससे या तो ओवरलैप आएगा ही नहीं या फिर ओवरलैप मिनिमाइज हो जाएगा, वरना ओवरलैपिंग हमेशा आएगी। और ओवरलैपिंग का इम्पैक्ट ये होगा कि आपने ज्यादा टैक्स देना है और उसका बेनिफिट आपको बहुत सारे साल के बाद मिल सकता है। यहां तक सब क्लियर है? अभी टेंशन नहीं लेनी, मैं एग्जांपल्स और करूंगा इसके ऊपर। दोबारा बोले, एक दफा रिपीट कर दें कि कौन से दो काम हम कर सकते हैं इससे बचने के लिए। हाँ, अगर आपको ओवरलैप मिनिमाइज करना है तो आपको अकाउंटिंग पीरियड शॉर्ट नहीं बनाना, लॉन्ग नहीं बनाना, स्टैंडर्ड 12 महीने का बनाना। अभी हम प्रूफ करेंगे कि किस पीरियड ऑफ अकाउंट में ओवरलैपिंग कम आती है। सही है, शॉर्ट में आती है, लॉन्ग में आती है, 12 महीने में आती है, ठीक है। और अगर एक शख्स कहता है कि मुझे ओवरलैपिंग चाहिए नहीं, तो फिर वो अकाउंटिंग पीरियड और टैक्स ईयर को सेम रखे, अपना अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट करे कहां से, मार्च से, और अप्रैल में एंड कर दे, अप्रैल में स्टार्ट करें और मार्च में एंड कर दे, तो ओवरलैपिंग आएगी। सही है, ये जस्ट मैंने कॉन्सेप्ट के तौर पर बताया, इसको भी हम प्रैक्टिस करेंगे तो चीजें आपको नजर आना शुरू हो जाएंगी कि मैं ठीक कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं। सही, अब हम चलते हैं अपने इस एग्जाम्पल को आगे मूव करते हैं। और मैं जो पहला सिनेरियो बना रहा हूं वो बना रहा हूं कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस एंड शॉर्ट पीरियड ऑफ अकाउंट, ये पहला रूल है, रूल नंबर 1। बीच बीच में क्यों एंट्री आ रही है यार लोगों की, इस टॉपिक के बीच में कोई आएगा या उसका इंटरनेट आगे पीछे हो जाता है और वो बीच में आता है, टेंशन मत लो, ये जो टॉपिक है इसका वीडियो लेक्चर क्या एक्सेस में तुम लोगों को आज ही दे दूंगा, टेंशन मत लो। और बाकी लेक्चर का एक्सेस भी मैंने प्लान कर लिया है, बट थोड़ा सा मेरे पास हर्डल आ रहा है, वो आज क्लियर हो जाएगा तो फिर तुम लोगों को अपने पिछले लेक्चर्स में भी एक्सेस दे दूंगा। अच्छा जी, अब आ जाएं दोबारा, रूल नंबर 1 कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस और पहला शॉर्ट पीरियड ऑफ अकाउंट। लेट मी जस्ट फाइंड आउट अ क्वेश्चन, फिर मैं उसके ऊपर रूल बनाता हूँ, इजी अंदाज से करते हैं, जल्दी की कोई जरूरत नहीं है। बिजनेस स्टार्ट हुआ 1 अक्टूबर 2018 को और उसका पहला अकाउंटिंग ईयर एंड आया 30th जून
19 को, सही है जी, और उसने प्रॉफिट अर्न किया 40,000 का। उसका अगला पीरियड कब एंड होगा? और उसने प्रॉफिट बनाया 50,000 का, ये सवाल है, ठीक है। अब आपसे ये पूछ रहा है, ये बताएं कि उसका टैक्स ईयर आइडेंटिफाई करके बताएं, पहले पहले दो साल का या पहले तीन साल का उसका टैक्स ईयर आइडेंटिफाई करके बताएं कि क्या होगा। तो हम कहते हैं ठीक है, मैं रूल्स के हिसाब से चलता हूं। अब देखें, मैं जो ना प्रॉपर सॉल्व करूंगा इसको, देखें यहां मैंने लिखा टैक्स ईयर, यहां मैंने लिखा डेट आइडेंटिफाई करने के लिए बेसिस पीरियड जो उसकी डेट में आइडेंटिफाई करूंगा, और यहां पर मैं सेपरेटली लिखूंगा कि प्रॉफिट कितना होगा। यही फॉर्मेट हमें बनाना है। कमेंसन का रूल क्या कहता है? पहले साल का, फर्स्ट टैक्स ईयर का, कहां से स्टार्ट करेंगे? फर्स्ट अक्टूबर 18, ठीक है, कहां पे जाके एंड करेंगे? 5 अप्रैल 19, ये बात क्लियर है सबको? 1 अक्टूबर 18 से 5 अप्रैल 19 काउंट करना शुरू करें। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, कितने महीने हुए? 6 महीने हुए, ठीक है। और ये जो प्रॉफिट हमने आइडेंटिफाई किया है, ये कितने महीने का है? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 9 मंथ्स का प्रॉफिट है ये, 40,000, यस और नो? यस सर। यस, टैक्स वाले क्या कह रहे हैं? टैक्स वाले कह रहे हैं भाई 9 महीने पे प्रॉफिट पे टैक्स नहीं दो, 6 महीने के प्रॉफिट पे टैक्स दे दो। हम समझे मेहरबान है हमारे, हमदर्द है, ऐसा ही होता है ना, हर बंदा हमें हमदर्द लग रहा होता है, आखिर में वो करछी बन जाता है, पहले लग रहा होता है हमदर्द है, समझ में आ रहा होता है यार ये तो मेरा बहुत हमदर्द है, आखिर में वही हमदर्द डेंट पहुंचाएगा आपको जिंदगी में। तो आइडेंटिफाई करना सीखे आपके आसपास हमदर्द कितने हैं और नॉन हमदर्द कितने हैं। और उसका एक टेस्ट होता है, मैं फिजिकल क्लास में बैठा होता ना तो टेस्ट बताता ये आइडेंटिफाई करने के कि दोस्त हर दोस्त नहीं होता हाथ मिलाने वाला। और जो लोग अपने आसपास के लोगों को पकड़ नहीं सकते ना आपका हमदर्द कौन है, उनसे बड़ा परले दर्जे का अहमक कोई भी नहीं होता। यही नहीं पता कि आपको अच्छा कौन है बुरा कौन है, तमीज़ नहीं है आपको, तो हाउ कैन यू पास योर लाइफ इंटायरली, 40, 50, 60, 70 साल की लाइफ गुजारनी है और लाइफ गुजारने का तरीका किसी ने सीखा ही नहीं, सही है। लाइफ गुजारने के जो प्रिंसिपल है ना वो बेसिस पीरियड से ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। और अगर आपको किसी से सीखना है तो एक तो आपको किसी मेंटोर की ज़रूरत होती है या फिर आपका एक्सपीरियंस आपको सिखाता है, लेकिन बाद दफ़ा क्या होता है एक्सपीरियंस सिखाता है 75 साल के बाद बंदे की लाइफ ही ख़त्म हो जाती है। तो इसका मतलब ये कि आपको किसी के तजुर्बे से सीखना होता है, दूसरों के तजुर्बात, मेंटोरिंग, ये वो, आगे पीछे किताबें पढ़ें, लोगों की लाइफ हिस्ट्री पढ़ें, ऑब्जर्वेशन, जिसने दुनिया में ऑब्जर्वेशन सीख ली ना वो बहुत सक्सेसफुल होता है। ऑब्जर्व करें, कम बोलें, जो कम बोलता है ना ये सारे काम उसकी पॉकेट में आ जाते हैं जो मैं बता रहा हूँ। ट्राई टू गेट, कोशिश करो, आधा घंटे से स्टार्ट करो, 15 मिनट से स्टार्ट करो और आंखें बंद करो, एक साइलेंस वाली जगह पे जाके आंखें बंद करके बैठ जाओ। थिंक अबाउट योर पास्ट, थिंक अबाउट द प्रेजेंट, थिंक अबाउट योर फ्यूचर, सोचो गलतियाँ, अच्छा बुरा, क्या करना है, कैसे करना है, कौन गलत लोग हैं, दुनिया में क्या हो रहा है। आधा घंटा आंखें बंद करने की प्रैक्टिस करें और फिर दुआएं दें मुझे। चलें आगे बढ़े। सो 40,000 × 6/9, एनीवन फाइंड आउट द आंसर? 2,667, यानी कि 26,667, सही है। इसका टैक्स ईयर क्या बनेगा? कुछ लोग इसका टैक्स ईयर 19-20 लिख देंगे, कुछ लोग इसका टैक्स ईयर 19-20 लिख देंगे, नहीं लिखना। क्या टैक्स ईयर बना? 18-19, और 18-19 के अंदर हमने कितना टैक्स दिया? 26,667 आउट ऑफ 40,000। यू आर वेरी हैप्पी कि 40,000 पे टैक्स नहीं देना पड़ा। अगला टैक्स ईयर, अगला टैक्स ईयर क्या बनेगा? 19-20। जून 19 सेज दैट मेरा अगला जो मेरा अकाउंटिंग ईयर जो है उसकी डेट अगले टैक्स ईयर में फॉल हो रही है। जून 19 को देखकर मैंने अंदाजा लगा लिया, लेकिन जो रूल है सेकंड ईयर का वो रूल क्या कहता है? सेकंड टैक्स ईयर कहां से स्टार्ट होगा? कहां गया रूल? सेकंड टैक्स ईयर कहां से स्टार्ट होगा?
सेकेंड टैक्स ईयर स्टार्ट होगा कमेंसमेंट से 12 महीने, ये लिखा हुआ है रूल, कमेंसमेंट से 12 महीने, दोबारा कमेंसमेंट से 12 महीने, फर्स्ट अक्टूबर 18 से चले 12 महीने तक जाओ, 30th September 19, सितंबर 19 20 बनता है, यस सितंबर 19 20 बनता है। तो अब मेरे पास 12 महीने का प्रॉफिट आइडेंटिफाई करना है, पहले 9 मंथ्स का प्रॉफिट कितना है, ये तो मैंने एज इट इज ले लिया, पहले 9 मंथ्स का प्रॉफिट 40,000 आ गया, अगले 3 महीने का प्रॉफिट मैं कहां से लूंगा, सब्सिक्वेंट पीरियड से, और वो बनता है 50,000 मल्टीप्लाई बाय 3/12, तो ये तकरीबन बनता है 12,500, और 40,000 में 12,500 ऐड करेंगे तो ये बनता है 52,500, एम आई करेक्ट? सर जी, सर तो ये बेसिस पीरियड जो है हम उसको देख के भी तो सेकंड ईयर का टैक्स ईयर निकाल सकते हैं ना, अभी तो जो मैं बता रहा हूँ उसी को देख के निकाल लो, अभी अभी एडवेंचर नहीं करना, अभी मैंने जो सेकंड टैक्स ईयर आइडेंटिफाई किया है ना उसको मैं क्रॉस चेक कर रहा हूँ, 19-20 अगर मैंने लिखा है तो सितंबर 19 या 19-20 में फॉल हो रहा है तो आंसर बनता है यस फॉल हो रहा है, सही है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। कितने प्रॉफिट पे टैक्स देना पड़ा, 52,500 पे टैक्स देना पड़ा, और आपने कहा यार ये तो गड़बड़ हो गई, 40,000 में से 26,667 तो मैं ऑलरेडी टैक्स दे चुका था, और वो 26,667 दोबारा टैक्सेबल हो गए यहाँ पर, तो ये आता है आपका ओवरलैप प्रॉफिट। कितना ओवरलैप प्रॉफिट आया, सबसे मुश्किल काम है ओवरलैप प्रॉफिट निकालना और ओवरलैप प्रॉफिट की डेट जज करना। तो पहले 18-19 में और 19-20 में जो डेट ओवरलैप हो रही है, जो डेट डुप्लीकेट हो रही है, वो डेट मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, 1 अक्टूबर 18 से 5 अप्रैल 19, ऊपर वाले में भी है और नीचे वाले में भी है। और कितना पीरियड डुप्लीकेट हो रहा है, पीरियड डुप्लीकेट हो रहा था ये, और अकाउंटिंग प्रॉफिट कितना डुप्लीकेट हो रहा है, एग्जैक्टली 26667। यानी के जब आप शॉर्ट अकाउंटिंग पीरियड पे बात करेंगे तो जो पहला वाला स्लाइस है ना वो पूरा का पूरा ओवरलैपिंग में जाएगा, क्योंकि ये वाला जो पार्ट है ये इस वाले पार्ट के अंदर बिल्टन है, ऑटोमेटिकली मौजूद है, तो इसलिए हमें ओवरलैप प्रॉफिट निकालने में आसानी हो जाती है, हम ओवरलैप निकाल लेते हैं। सो ये मैंने पहले 2 टैक्स ईयर कवर किए, मेरा पहला रूल क्या है, कमेंसमेंट से, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस है, और पहला अकाउंटिंग पीरियड कौन सा है, इट्स अ शॉर्ट अकाउंटिंग पीरियड। तो मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, पहला टैक्स ईयर कहाँ से शुरू होगा, कमेंसमेंट से स्टार्ट होगा, 5 अप्रैल पे एंड होगा। दूसरा टैक्स ईयर कहाँ से शुरू होगा, कमेंसमेंट से स्टार्ट होगा और 12 महीने के ऊपर जाकर एंड हो जाएगा। अगर प्रॉफिट डुप्लीकेट हुए तो दैट प्रॉफिट इज कॉल्ड ओवरलैप प्रॉफिट। एक सवाल और कर लेते हैं ताकि थोड़ी सी चीजें हमारे और क्लियर हो जाए कि हम कहाँ से चलते हैं। सही है जी, तो प्रैक्टिस क्वेश्चन सर। जी भाई, सर वो 5 to 500 में पूछ रहा था कैसे आ रहा है, मतलब मंथ से डिवाइड किया है, 12 मंथ से डिवाइड करके 3 से मल्टीप्लाई किया तो वो 22 करके कुछ आ रहा है। 50,000 को अगर 3/12 करेंगे तो क्या आंसर आता है सर, 12,500, 40,000 में ऐड करो। ठीक है सर, ठीक है। अरे भाई मैं बगैर कैलकुलेटर के सॉल्व कर रहा हूँ, आपके भाई के पास कैलकुलेटर नहीं है हाथ में इस वक्त। सही, चलो तुम्हें एक शेर सुनाता हूँ, दिल को बेदर्द, दिल को मोहब्बत में, दिल को बेदर्द मोहब्बत में बताने वाले, दिल को बेदर्द मोहब्बत में बताने वाले, होता है कहाँ दर्द अगर दिल नहीं होता।
सर के ऊपर से गुजर जाएगा वैसे. डोंट ट्राई टू अंडरस्टैंड. तेरे लिए तो दर्द कहाँ से हुआ है सर. हाँ मुश्किल काम है भाई. दिल को बेदर्द मोहब्बत में बताने वाले, दिल को बेदर्द मोहब्बत में बताने वाले, होता है कहाँ दर्द अगर दिल नहीं होता. अच्छा जी चल आगे बढ़े. वो कुछ लोगों का फरमाइशी प्रोग्राम होता है ना सर, क्लास में मजा आता है तो ऑनलाइन में ये नहीं होता. मैंने कहा चले यार कुछ ऑनलाइन में भी मैं आपको तफरी प्रोवाइड करता हूँ. वैसे जैसे माहौल साजगार होता है ना तो आई विल पुट अ कैमरा ऑन माय लैपटॉप. मेरा कैमरे का लैपटॉप इंटरनली जो ना मसला है उसमें, तो आई विल पुट एन एक्सटर्नल ताकि मेरी तस्वीर लोगों को नजर आए तो वो लोगों को खुशी हासिल होगी कि चलो सर नजर आ रहे हैं, अच्छा रहेगा. देखें इस तरह सवाल आएगा, आइडेंटिफाई बेसिस पीरियड एंड असेसिबल प्रॉफिट. सबसे पहली चीज क्या चेक करनी है, क्या ये बिजनेस का स्टार्टिंग डेट है. यस बिजनेस स्टार्ट हुआ है. क्या बिजनेस स्टार्ट हुआ उसका पहला अकाउंटिंग ईयर चेक करें. क्या ये शॉर्ट पीरियड ऑफ अकाउंट है, लॉन्ग है या स्टैंडर्ड है. 1 नवंबर से स्टार्ट हुआ और जून 19 पे खत्म हुआ. नवंबर दिसंबर जून 8 महीने है. यस 8 महीने. 8 महीने का मतलब शॉर्ट अकाउंटिंग पीरियड. क्या ये बिजनेस जस्ट स्टार्ट हुआ है. यस तो रूल क्या फॉलो होंगे, पहले 2 टैक्स ईयर. इसमें मैं आपको तीसरा टैक्स ईयर भी सिखा दूंगा कि इस केस में तीसरा टैक्स ईयर कैसे निकलेगा. वेरी इजी मसला है पहले 2 टैक्स ईयर का. तो इसको हम बेंचमार्क बना के स्टार्ट करते हैं. फॉर्मेट हमारा क्या रहेगा, एक तरफ लिखेंगे टैक्स ईयर, एक तरफ लिखेंगे बेसिस पीरियड और एक तरफ लिखेंगे प्रॉफिट. चले जी स्टार्ट करते हैं. कमेंसमेंट से स्टार्ट करेंगे. पहला साल मुझे फॉलो करो, मैं कैसे लिखता हूँ. मैं पहले टैक्स ईयर नहीं लिखता, पहले मैं डेट लिखता हूँ ताकि मुझे टैक्स ईयर आइडेंटिफाई करने में आसानी हो. 1 नवंबर 2018 से स्टार्ट लिया. ब्रेक लगाएं कहाँ जाके, अप्रैल 19 पे ब्रेक लगाए. काउंट करें कितने महीने बने, नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च, कितने महीने बने, 5 महीने बने. काउंट करें ये कितना था, 8 महीने. ठीक है तो 5 महीने के प्रॉफिट पे टैक्स देते हैं. आंसर बताएं. 21875. चले जी ये आपने टैक्स दे दिया 18-19 में. 18-19 ठीक है ना, 19-20 तो नहीं बनेगा. क्या देख के 18-19 लगाया है, ये देख के 18-19 है. पक्का 18-19 है. अच्छा जी 18-19 हो गया. अच्छा अब क्या देखना है, अब ये देखना है कि 30th June 1920 में फॉलो हो रहा है क्या. 30th June 1920 किस में फॉलो होता है, 1920 में. यस कमेंसमेंट से दोबारा स्टार्ट करेंगे. कहां से स्टार्ट करेंगे, 1 नवंबर 2018 से दोबारा स्टार्ट करेंगे. कहां तक जाएंगे, काउंट 12 महीने, नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर. एम आई राइट, अक्टूबर 30th October 19 तक जाएं, 12 महीने फाइंड आउट करें. 12 महीने के अंदर नवंबर से जून का प्रॉफिट तो एज इट इज आ गया 8 महीने का. 4 महीने कहां से लूंगा, इसका टोटल करें, इसका टोटल करके बताएं. क्या हो गया भाई,
हेलो सर जी भाई 4833333.33 पॉइंट को छोड़ दें यस सर चलें जी ये पहले दो साल कंप्लीट हो गए ओवरलैपिंग कितनी आई ओवरलैपिंग आ गई 21875 की क्योंकि 21875 अगले पीरियड के अंदर भी एज इट इज मौजूद है ये पहले दो साल कंप्लीट हो गए ओवरलैपिंग आ गई ठीक है अगला साल हमेशा क्या होगा इस केस में जो अगला साल हमारा बनेगा नेक्स्ट ईयर कौन सा आ रहा है या अगले साल से ये नॉर्मल हो गया क्या बन गया ongoing business बन गया ये नॉर्मल हो गया अगले साल से 40,000 के प्रॉफिट पे टैक्स देना तो मसला हमें पहले दो साल का है तीसरे साल से ये क्या हो जाएगा तीसरे साल से ये नॉर्मलाइज होना शुरू हो जाएगा और हमें नॉर्मल 40,000 पे टैक्स देना पड़ेगा आप कहेंगे सर ये तो और जबरदस्त गड़बड़ हो गई क्या इसके अंदर और ओवरलैपिंग तो नहीं आ रही यस सर आ रही है भाई ये तुम्हारा कसूर है ये मेरा कसूर नहीं है टैक्स वाले बोलेंगे भाई ये आपकी गलती है आपने अकाउंटिंग पीरियड बनाया ही ऐसा है कि आपको 18 19 और 19 20 में भी ओवरलैपिंग आ रही है 19 20 और 20 21 में भी ओवरलैपिंग आ रही है आपने कहा बुरे फंसे पहले पता होता तो नहीं बनाता चले अब गलती हो गई अब कितनी ओवरलैप आ रहा है अब इन दोनों को कंपेयर करें इन दोनों को इसमें ओवरलैपिंग निकालें कितनी आ रही है बहुत मुश्किल काम है ओवरलैपिंग निकालना इसकी ओवरलैपिंग वेरी डिफिकल्ट है कोई मर्द मुजाहिद ओवरलैपिंग निकालने वाला भाई बड़ी सिंपल है यार ये 40,000 का जो 4/12 है नीचे वाले में पूरा शामिल है तो ओवरलैपिंग कितनी हो गई 40,000 मल्टीप्लाई बाय 4/12 13,333 क्या ख्याल है तो टोटल ओवरलैप कितना हुआ इसका टोटल भी बता दे मुझे का टोटल ओवरलैप हो गया टोटल ओवरलैप यानी कि तीन साल मिलाकर मैंने जो टैक्स दिया है अपने तीन टैक्स ईयर में वो मैंने टैक्स ईयर टैक्स कितना दिया है पहले टैक्स ईयर में इतना दिया दूसरे टैक्स ईयर में इतना दिया तीसरे टैक्स ईयर में इतना दिया अब एक शॉर्टकट बताऊं छोड़ो यार चलो छोड़ो शॉर्टकट अगर फरमाइशी प्रोग्राम बता दे सर बताऊं शॉर्टकट चले शॉर्टकट है ये है कि आप एक काम करें इसको इसको और इसको ऐड करें जो आप सवाल सॉल्व कर लेना तो उसको चेक करने का तरीका सही किया गलत किया इन तीनों को प्लस कर लें 21875 प्लस 48333 प्लस 40,000 इन तीनों को प्लस करें सवाल सॉल्व करने के बाद इसका आंसर निकालें अब एक काम करें आपको तो टैक्स इस पे देना था ना दो साल के प्रॉफिट पे इनको प्लस करें और उसमें से माइनस कर दें जो रियल प्रॉफिट आपने दो साल में कमाया है 75,208 कितना 35208 चेक करें अरे हाँ सर इसको कहते हैं जादू सही है जी सही है सर एक दफा क्वेश्चन दोबारा दिखाइएगा ये है सवाल
चले जी आगे बढ़े. कमेंसमेंट शॉर्ट अकाउंटिंग पीरियड. चलो मैं तुम लोगों के लिए एक बोनस एक एग्जांपल और करवा देता हूँ. क्या याद करो. सो दिस टाइम आई एम जस्ट पुटिंग अ बुक एग्जांपल. कमेंसमेंट हुआ 1 सितंबर 2017 को और आपका जो पहला अकाउंटिंग ईयर बनाया आपने वो बनाया 30th June 2018. आइडेंटिफाई कर लो कितने महीने का है. नाइन मंथ्स. दस महीने का है. सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर चार और जून में होते हैं 6, 10 महीने. ट्रेडिंग प्रॉफिट असेसमेंट फॉर फर्स्ट 3 years. पहले 3 साल का ट्रेडिंग प्रॉफिट असेसमेंट फाइंड आउट करना है. तुम सबसे पहले ये देखेंगे क्या ये बिजनेस कमेंसमेंट का रूल है. सो इट सेज दैट इट्स अ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस. ठीक है. अब कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस के अंदर हम ये देखेंगे क्या ये शॉर्ट अकाउंटिंग पीरियड है. तो आंसर आता है यस इट्स अ शॉर्ट अकाउंटिंग पीरियड. ठीक है. तो हमने इसका टैक्स ईयर, इसका बेसिस पीरियड और इसका असेसेबल प्रॉफिट आइडेंटिफाई किया. पहला टैक्स ईयर कमेंसमेंट से स्टार्ट होगा 1 सितंबर 2017 और 5 अप्रैल 2018 पे एंड हो जाएगा. अगर मैं इसके मंथ्स काउंट करता हूँ तो ये मंथ्स बनते हैं, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 7 मंथ्स बनते हैं. सो 30,000 आउट ऑफ 7 डिवाइडेड बाय 10 तो ये बनते हैं 21,000. और जो एयर बनता है वो एयर मेरे हिसाब से बनता है 17-18. सही. उसके बाद क्योंकि ये शॉर्ट अकाउंटिंग पीरियड है तो नेक्स्ट अकाउंटिंग टैक्स ईयर बनेगा 18-19, स्टार्ट होगा सितंबर 17 से और एंड होगा 31st August 2018. 12 महीने. सर 8 मंथ्स बन रहे हैं 1 सितंबर से अप्रैल. सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च. अच्छा अप्रैल ही लेंगे. तो 7 बनते हैं ना. जी सर. तो 10 मंथ्स तो जून तक बनते हैं. 10 मंथ्स तो 30,000 पूरे ले लेंगे और फर्दर 2 मंथ्स हम आगे वाले पीरियड से बोरो करेंगे तो 48,000 मल्टीप्लाई बाय 2 बाय 12. सो इसका आंसर बनता है जनाब 38,000. अब इसमें ओवरलैपिंग में बाद में निकालूंगा, पहले मैं सब्सिक्वेंट अगले पीरियड पे जाता हूं. वो बनता है 19-20 और अगले पीरियड को मैंने कहा करंट ईयर बेसिस 30th June 2019 और पूरा पीरियड ले लिया 48,000. टैक्स ईयर पहले साल 12 महीने से कम हो सकता है लेकिन अगला जो टैक्स ईयर होगा वो हमेशा 12 महीने का होगा. अब ये 3 पीरियड हमें यहाँ नजर आ रहे हैं, इसकी ओवरलैपिंग निकालते हैं. इसमें ओवरलैपिंग निकालते हैं तो इन दोनों में ओवरलैपिंग पहले चेक करते हैं कितनी ओवरलैपिंग है. ओवरलैप प्रॉफिट निकालते हैं तो इसका ओवरलैप प्रॉफिट बनता है 1 सितंबर 2017 से लेकर 5 अप्रैल 2018 तक ये डुप्लीकेट हुआ और इसका ओवरलैप प्रॉफिट है 21,000 21,000 का ओवरलैपिंग प्रॉफिट होगा. जो अगला ओवरलैपिंग है वो ओवरलैपिंग निकलेगा 18-19 और 19-20 के दरमियान. चाहिए. और उसकी जो डेट समझ में आती है वो डेट ये समझ में आती है कि ये कहाँ से कहाँ तक होगा. अच्छा इसका इसका एक जो है ना वो अगर हम इसकी डेट आइडेंटिफाई कर लेना यहाँ पे, ये डेट होगी 1 जुलाई 2018 से समझने के लिए 30th June 2019 12 महीने. सही. ये यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा. ठीक है. और फिर डुप्लीकेट चेक करने के अंदर भी इसके अंदर आसानी हो जाती है. तो इसका जो डुप्लीकेट पीरियड बन रहा है वो डुप्लीकेट पीरियड बन रहा है फ्रॉम 1 जुलाई 2018 से 31st August 2018.
जुलाई अगस्त सितंबर जुलाई अगस्त दो महीने, और वो दो महीने बनते हैं 48,000 मल्टीप्लाई बाय 2 बाय 12, तो ये दो महीने बनते हैं, ये कितने बनते हैं दो महीने 8,000 टोटल, यस सर 29,000 का ओवरलैप प्रॉफिट। टोटल 29,000 का ओवरलैप प्रॉफिट आ गया। एक मिनट के लिए आप इसको देख लें ओवरलैपिंग को, ताकि फिर हम शॉर्ट अकाउंटिंग पीरियड के रूल को आगे करें और हम चलते हैं फिर 12 महीने के अकाउंटिंग रूल के ऊपर, विच इज नॉट डिफरेंट, विच इज समवॉट रेलेवेंट टू शॉर्ट अकाउंटिंग पीरियड, वैसा ही है, मसले वाली बात नहीं। अच्छा, बुक में पेज नंबर 305 नोट इट डाउन, बुक में 305 पर, और जो मैं इसकी स्लाइड शेयर करूंगा वहां पर भी है, एक आपका चार्ट बना हुआ है समरी ऑफ ओपनिंग ईयर रूल्स के नाम से, वो चार्ट बड़ा इफेक्टिव है, तो उसको मेरे लेक्चर के बाद आप उस चार्ट को देखेंगे ना, तो आपको काफी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि रूल किस तरह से आपको रिटेन रखना है, समराइज करके याद रखना है। तो अब हम जंप करते हैं जनाब 12 महीने का अकाउंटिंग पीरियड, ठीक है, 12 महीने का अकाउंटिंग पीरियड के ऊपर चलते हैं, वो तकरीबन इस जैसा ही है, और उसके अंदर जो है आपको आसानी रहेगी कि आप शॉर्ट वाला भी रिवाइज हो जाएगा। बुक के अंदर इसका रूल उन्होंने थोड़ा सा डिफरेंट बताया है समझने के लिए, लेकिन मैं इसको स्टैंडर्ड उसी तरीके से फॉलो करूंगा कि मेरा जो पहला टैक्स ईयर होगा, फर्स्ट टैक्स ईयर जो मेरा होगा वो कहाँ से स्टार्ट होगा, वो स्टार्ट होगा कमेंसमेंट से 5th अप्रैल। जो मेरा सेकेंड टैक्स ईयर होगा वो स्टार्ट होगा कमेंसमेंट से 12 महीने। अच्छा, बुक में ना उसको डिफरेंट तरीके से बताया हुआ, मैं इसको उसी लॉजिक से कवर करूंगा। और मेरा जो थर्ड टैक्स ईयर होगा वो होगा करंट ईयर बेसिस, क्योंकि ये ऑनगोइंग बन जाता है थर्ड ईयर के बाद। तो इस तरीके से देखा जाए तो स्टूडेंट को मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि भाई शॉर्ट पीरियड में और 12 महीने के पीरियड में मेरे हिसाब से कोई फर्क नहीं, आप उसी ट्रिक को लेके फॉलो करें और उसी हिसाब से चलेंगे तो आपका सवाल आसानी से सॉल्व हो जाएगा। हाँ, लॉन्ग पीरियड जब आएगा तो देर विल बी अ डिफरेंस, कि आपको लगेगा कि वाकई लॉन्ग पीरियड एक अलग तरीके से सॉल्व होता है, लेकिन शॉर्ट हो या स्टैंडर्ड पीरियड हो मेरे हिसाब से वो इसी तरीके से चलेगा, यानी कि कमेंसमेंट से 5th अप्रैल, कमेंसमेंट से 12 महीने और फिर CYB। अच्छा, इसमें एक मजे की बात यह है कि इसके अंदर जो ओवरलैपिंग होगी वो ओवरलैपिंग कंपैरेटिवली शॉर्ट अकाउंटिंग पीरियड से कम होगी। अच्छा, ओवरलैपिंग आएगी जरूर 12 महीने में भी, लेकिन ओवरलैपिंग शॉर्ट पीरियड में बहुत ज्यादा होती है। तो इसलिए टैक्स पर्पस के लिए अगर थ्योरी में पूछा जाए कि एडवाइज कि वेयर हाउ कैन वी मिनिमाइज ओवरलैपिंग प्रॉफिट, तो हम ये कहेंगे कि जी इन ऑर्डर टू मिनिमाइज ओवरलैपिंग प्रॉफिट अ टैक्स ईयर शुड बी अकाउंटिंग ईयर शुड बी इक्वल टू 12 मंथ, सही है। और अगर वो कहता है कि एडवाइज ओवरलैपिंग हाउ टू अवॉइड ओवरलैपिंग, तो हम कहेंगे इन ऑर्डर टू अवॉइड ओवरलैपिंग अकाउंटिंग ईयर शुड बी इक्वल टू द टैक्स ईयर, यानी कि वो भी 6 अप्रैल से स्टार्ट हो और 5th अप्रैल के ऊपर जाकर खत्म हो जाए, ठीक है। चलो इसकी एक एग्जाम्पल करते हैं और उस एग्जाम्पल को फिर हम लेके चलते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल, एक बिजनेस अपना स्टार्ट हुआ, कमेंसमेंट की उसने 1st जनवरी 2018 को, उसने पहला अकाउंटिंग ईयर एंड ड्राफ्ट किया अपना 31st दिसंबर 2018, चेक कर ले 12 महीने बनते हैं, और 35,000 का प्रॉफिट जनरेट किया। उसके बाद सब्सिक्वेंट अकाउंटिंग ईयर एंड उसने आइडेंटिफाई किया 31st दिसंबर 2019, और उसके अंदर उसने 60,000 का प्रॉफिट जनरेट किया। चेक कर लेंगे एग्जांपल कमेंसमेंट की बनती है, कमेंसमेंट की और 12 महीने की, ताकि मैं रूल अप्लाई करूं। एग्रीड? यस सर। टैक्स ईयर, बेसिस पीरियड एंड असेसेबल प्रॉफिट। अच्छा जी, तो मैं स्टार्ट करता हूँ कमेंसमेंट से। कमेंसमेंट बनती है 1st जनवरी 2018, और पहला 5th अप्रैल आ गया 3 महीने के बाद 2018, सही है। जैन फेब मार्च 3 महीने के बाद आ गया,
35,000 में से आप कैरी कर लें 3/12 क्योंकि हमारा जो पहला पीरियड है वो है ही 12 महीने का 8750 इसका टैक्स ईयर आइडेंटिफाई करें एम आई राइट 17-18 परफेक्ट पहला साल हो गया दूसरे साल पे चलते हैं दूसरा साल बनाना है हमें 18-19 का 18-19 के हिसाब से चलते हैं तो हम अपने रूल के हिसाब से कहते हैं दोबारा जनवरी 18 से स्टार्ट करो और 31 दिसंबर 18 पे एंड कर दो तो पूरे 12 महीने हो गए और पूरे 12 महीने का प्रॉफिट बना 35,000 सही जी उसके बाद जो हमारा अगला पीरियड आएगा वो आएगा 19-20 तीसरा साल और वो होगा नॉर्मल करंट ईयर बेसिस दैट इज ईयर एंडेड 31 दिसंबर 19 जो कि स्टार्ट हुआ होगा 1 जनवरी 19 से 31 दिसंबर 19 और 60,000 का प्रॉफिट पे हम टैक्स देंगे तीसरे टैक्स ईयर के तो अगर आप डुप्लीकेशन चेक करें तो आपको नजर आएगा कि पहले दो साल में देर इज अ डुप्लीकेशन और डुप्लीकेशन बड़ी आसान है 1 जनवरी 18 से 5 अप्रैल 18 की डुप्लीकेशन है 35,000 × 3/12 दैट इज 8750 यानी कि ये जो है इसके अंदर पूरा शामिल है तो ओवरलैप इजीली निकल आया 8750 क्या 18-19 और 19-20 में ओवरलैपिंग है nice. तो आप देखें क्लियरली देर इज नो ओवरलैप हमेशा यही होगा जब भी एक 12 महीने का पीरियड बनाया जाता है तो उसमें पहले दो टैक्स ईयर में तो ओवरलैपिंग होती है लेकिन उसके बाद जो अगले दो टैक्स ईयर होते हैं उसमें ओवरलैपिंग पॉसिबल नहीं होती ठीक है जी तो ये सीधा सीधा बड़े आराम से जो ना हमारा ओवरलैपिंग का मसला खत्म हो गया इसके अंदर ठीक है जी आगे बढ़े सर वो एक बार शॉर्टकट बता दें शॉर्टकट इसमें अप्लाई करके देख लो एक काम करो इन तीन दोनों को प्लस करो कितना आंसर बनता है 95,000 यस सर इन तीनों को प्लस करो तो तुमने सॉल्व किया सर 8750 आ रहा है माइनस करके उन तीनों को प्लस करके 103750 आ रहा है और हमारा ओवरलैप कितना आ रहा है माइनस करके 8750 हमारा ओवरलैप कितना आ रहा है 8750 सही yes, प्रूव हो गया तो 60,000 प्लस 35,000 आंसर आता है 95,000 इस पे टैक्स देना है और हमने तीन सालों में मिला के कितना टैक्स दिया 95,000 से ज्यादा पे टैक्स दिया जो एक्सिस गया वो है ओवरलैप प्रॉफिट जिस पर मैंने ज्यादा टैक्स दे दिया टैक्स वालों ने हमसे ज्यादा टैक्स ले लिया टैक्स वालों ने हमसे ज्यादा टैक्स क्यों लिया क्योंकि हमने अकाउंटिंग ईयर टैक्स ईयर से डिफरेंट बनाने की कोशिश की इसलिए ओवरलैपिंग अराइज हो गई अब जो थ्योरी में सवाल आता है ना उसका आंसर मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ कि ओवरलैप को कम कैसे करते हैं और ओवरलैप को अवॉइड कैसे करते हैं इलिमिनेट कैसे करते हैं क्योंकि टैक्स की थ्योरी दो दो नंबर की यूजुअली आती है तो उसमें ऐसे ही सवाल आ सकता है आराम से आप उसको टैकल कर सकते हैं चलिए एक और एग्जाम्पल बनाते हैं 12 महीने के ऊपर और फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं सो फॉर एग्जाम्पल मेरा बिजनेस कमेंस होता है 1 अक्टूबर 18 पे और ईयर एंड मैं करता हूँ 30 सितंबर 19 सेम तो नहीं है पिछले वाली एग्जांपल जनवरी 18 दिसंबर 18 करेक्ट और प्रॉफिट आता है हमारे पास 18,000 का और उसके बाद सब्सिक्वेंटली हमारा ईयर एंड होता है 30 सितंबर 2020 और उस पे हमारा प्रॉफिट आता है 28,800 सही सो इसके हमें फर्स्ट थ्री टैक्स ईयर फाइंड आउट करने टैक्स ईयर आ गया बेसिस पीरियड आ गया और असेसिबल प्रॉफिट आ गया अच्छा जी फर्स्ट टैक्स ईयर स्टार्ट होगा फ्रॉम 1 अक्टूबर 18 टू 5 अप्रैल 19 अच्छा जी कितना बनता है अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च 6 महीने बनते हैं तो 18,000 को मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 12 तो ये हो गया हाफ
इसका टैक्स ईयर बनता है 18-19। अच्छा जी, क्योंकि ये 12 महीने का अकाउंटिंग पीरियड है तो इसका जो नेक्स्ट टैक्स ईयर बनता है वो 19-20 बनता है। स्टार्ट होगा 1 अक्टूबर 2018 से, एंड होगा 30 सितंबर 2019 के ऊपर। जब भी ये सेकेंड ईयर की डेट लिखें तो इसको ना इससे चेक कर लिया करें, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। 19-20 बन रहा है और पूरा प्रॉफिट बन गया 18,000। ओवरलैपिंग चेक करनी है, ओवरलैपिंग अगर चेक करनी है तो इसको इन दोनों से कंपेयर करें, 18 और 19 27,000, 18 में से 27,000 माइनस कर दें, 9,000 की ओवरलैपिंग। और ये पूरा का पूरा जो पहला स्लाइस है ये ओवरलैपिंग होगी हमेशा, फर्स्ट वाला, यानी कि 1 अक्टूबर 2018 से लेकर 5 अप्रैल डुप्लीकेट हो रहा है। इसमें ओवरलैपिंग निकालना सबसे आसान है लॉन्ग 12 महीने के पीरियड में। जो अगला पीरियड बनेगा वो क्या बनेगा, 2021 करंट ईयर बेसिस, 30 सितंबर 2020, 28,800। सो देयर इज नो ओवरलैपिंग बिटवीन 2019-20 एंड 2020-21, क्योंकि वो दोनों बिल्कुल सेपरेट हैं। सही, तो ये हमारा हो गया खत्म। नाउ मूव्स टू अकाउंटिंग पीरियड विच इज ग्रेटर देन 12 मंथ्स। अच्छा, मैंने आप लोगों को ये बताया है कि शॉर्ट में मसला ज्यादा होता है ओवरलैपिंग का, स्टैंडर्ड के अंदर ओवरलैपिंग का कम होता है। लॉन्ग पीरियड में क्या ओवरलैपिंग बढ़ेगी या लॉन्ग पीरियड में क्या ओवरलैपिंग और कम हो जाएगी, ये हम देखते हैं एक मुख्तसर से। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि अगर अकाउंटिंग पीरियड 12 महीने से ज्यादा का हो जाए तो उस सिचुएशन के अंदर हमें क्या करना चाहिए। सो पहले तो हम बात करेंगे रूल के ऊपर कि आपका रूल क्या कहता है और आपको किस तरह से उस रूल को अप्लाई करना है, और फिर हम उसकी एग्जांपल करेंगे और एग्जांपल को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि रूल के हिसाब से हमारी जो एग्जांपल बनती है वो क्या हो सकती है। ठीक है जी, सबसे पहले हमें ये पता है कि जो कमेंसमेंट ईयर होता है पहला टैक्स ईयर, तो फर्स्ट टैक्स ईयर हमारा हमेशा जो रूल है फर्स्ट टैक्स ईयर का वो तो सेम रहेगा। कहाँ से स्टार्ट लेंगे, कमेंसमेंट से चलेंगे और 5 अप्रैल पे जाके हमारा पहला टैक्स ईयर एंड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जब हम अपना सेकंड टैक्स ईयर बनाएंगे, अगर 12 महीने से ज़्यादा का केस होगा तो वो होगा 12 मंथ टू अकाउंटिंग ईयर एंड, यानी कि हमारा जो पहला अकाउंटिंग ईयर एंड होगा उस तक 12 महीने। अब इसका एक आसान सा तरीका है कि अकाउंटिंग ईयर एंड से 12 मंथ बैक कर लो, जो शॉर्ट और लॉन्ग में हम कमेंसमेंट से 12 महीने आगे जाते थे, तो आप अकाउंटिंग ईयर एंड से 12 महीने अगर पीछे आ जाएं तो आपका सेकंड ईयर बन जाएगा, क्योंकि आपका जो सेकंड ईयर है वो कभी भी 12 महीने से ज्यादा का नहीं हो सकता। तो उसे 12 महीने बनाने के लिए ईयर एंड से 12 महीने बैक जाएंगे और फिर तीसरे टैक्स ईयर से तो वो नॉर्मल करंट ईयर बेसिस के ऊपर यूजुअली आ जाता है। ठीक है, तो अब हम इस सिस्टम को फॉलो करते हैं और इस सिस्टम को फॉलो करते हुए हमें आइडेंटिफाई करना है कि हमारा पीरियड ऑफ अकाउंट यूजुअली क्या बनता है। तो मैं एक एग्जाम्पल करवाता हूँ, उससे फिर हम ये रूल फॉलो करके सीख लेते हैं। जस्ट फॉलो मी, एग्जाम्पल। सो कमेंसमेंट हुई हमारी, कमेंसमेंट हमारी हुई 1 जुलाई 2016 को, और हमारा जो अकाउंटिंग ईयर एंड है 30 जून पे, तो 12 महीने हो जाते हैं ना, तो मैंने उसे बना दिया 31 अगस्त 2017, और अ प्रॉफिट ऑफ 42,000। सही है जी, पहला अकाउंटिंग ईयर एंड 12 महीने से ज्यादा का। फिर उसके बाद जो अगला सब्सिक्वेंट अकाउंटिंग ईयर एंड होगा मेरा वो नॉर्मलाइज हो जाएगा, और फिर वो 31 अगस्त से इसी हिसाब से चलता जाएगा, एंड द प्रॉफिट इज 60,000,
और उसके बाद जो अगला ईयर होगा वो इसी पैटर्न पे चलता जाएगा, 31st August 19, और मेरा प्रॉफिट मैंने निकाल लिया 55,000. ये है केस. डिटरमाइन कर लें क्या ये शॉर्ट पीरियड है, स्टैंडर्ड पीरियड है, लॉन्ग पीरियड है, ये डिटरमाइन करें. फर्स्ट लॉन्ग पीरियड कितना, पीरियड ऑफ अकाउंट काउंट करें कितना बनता है, 13 months. वेरी गुड. चले आगे बढ़े, रूल फॉलो करते हैं. टैक्स ईयर, बेसिस पीरियड और असेसेबल प्रॉफिट. पहला साल तो सिंपल जाएगा, कमेंसमेंट से स्टार्ट लिया, फॉलोइंग 5th अप्रैल पे पहुंचे, फॉलोइंग 5th अप्रैल आ गया 17 के अंदर, तो जुलाई से 5th अप्रैल बनते हैं 9 months. 42,000 का प्रॉफिट है, 9 months पे टैक्स देना है आउट ऑफ 13. 13 बन रहे ना. निकालें जरा प्रॉफिट कितना बनता है, 9/13. Two nine zero seven six. पे टैक्स हम किस ईयर में दे रहे हैं, 16/17. अब हमारा जो रूल है सेकंड टैक्स ईयर का वो ये कहता है कि हमें ईयर एंड देखना है. हमारा ईयर एंड जो बन रहा है वो बन रहा है 31st August 17. अब हमें 31st August 17 से बैक 12 महीने जाने या 31st August 17 तक 12 महीने पूरे करने, तो उसका तरीका यह है कि आप लिखें पहले 31st August 17 और उससे बैक 12 महीने जाएं. तो जब बैक 12 महीने जाएंगे तो सितंबर से अगस्त 12 महीने होते हैं. यस सर. 1st September 16 से अगस्त 17 12 महीने. सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त. यस यू आर राइट, 12 महीने. अब 12 महीने कवर कर लें. सो 42,000 मल्टीप्लाई बाय 12 डिवाइडेड बाय 3, इसका आंसर निकालें. 38769. और ये टैक्स ईयर बनता है 17-18 का. ये दो टैक्स ईयर 16-17 और 17-18 हमने काउंट कर लिए और इस प्रॉफिट 42,000 को असिस्ट करने के लिए ये दो टैक्स ईयर बने. अब ओवरलैप निकालना है तो इन दोनों का टोटल करो और 42,000 से कंपेयर कर लो, ओवरलैप निकल आएगा. कितने महीने का ये? सर ये सर डिफरेंस लिए मैंने. हाँ वैसे ही कितने महीने का बनता है. सितंबर 16 से लेकर 5th अप्रैल 17 की ओवरलैपिंग है. सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, 3, 6, 7 महीने की ओवरलैपिंग बन रही है. 7 महीने की जो ओवरलैपिंग बन रही है वो है 42,000 इंटू 7/13. दोबारा आंसर बताओ. 25845. अब मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ. देखिए ओवरलैपिंग इस केस के अंदर अगर आपको पीरियड फाइंड आउट करना है ना ओवरलैपिंग का, तो मैं एक लाइन बना रहा हूँ यहाँ पे, जस्ट फॉलो मी ना. ये जो 1st September है ना, यहाँ से लेकर 5th अप्रैल तक आप लाइन बनाएं, ये ओवरलैपिंग है. ये पीरियड दोनों के अंदर मौजूद है. इफ यू चेक, ये पीरियड ऊपर वाले में भी है और ये पीरियड नीचे वाले में भी है, सितंबर 16 से लेकर 5th अप्रैल 17 तक का. और इस पीरियड को मैंने काउंट कर लिया, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, 7 महीने बनते हैं आउट ऑफ 13 महीने. और अगर आपको शॉर्टकट से बनाना है तो शॉर्टकट का भी तरीका मैंने बता दिया. 42,000 का प्रॉफिट है और हमने जो टैक्स दिया है वो इन दोनों पे मिला के दिया है,
उन दोनों का डिफरेंस भी यही बनेगा 2, 5, 8, 4, 5. तीसरा जो हमारा टैक्स ईयर बनेगा वो नॉर्मल होगा 18-19 करंट ईयर बेसिस, और वो होगा 31 अगस्त 18, और प्रॉफिट बनेगा 60,000 का. तो सब्सिक्वेंटली ओवरलैपिंग नहीं होगी. इससे एक बात पता लगती है कि ओवरलैपिंग शॉर्ट अकाउंटिंग पीरियड में भी होती है ज्यादा, और ओवरलैपिंग जो है लॉन्ग अकाउंटिंग पीरियड में भी होती है. लेकिन लॉन्ग अकाउंटिंग पीरियड में नॉर्मली पहले दो पीरियड में ओवरलैपिंग होती है, सब्सिक्वेंटली नहीं होती. लेकिन शॉर्ट अकाउंटिंग पीरियड में पहले दो पीरियड में भी ओवरलैपिंग होती है और अगले दो पीरियड के अंदर भी ओवरलैपिंग होती है यूजुअली. ठीक है जी, तो मैं एक एग्जांपल और करवाऊंगा लॉन्ग पीरियड की, तो यहां से आपका कॉन्सेप्ट और पक्का हो जाएगा कि लॉन्ग पीरियड के अंदर कैलकुलेशन किस तरह से होती है. चले अनदर एग्जांपल. फर्स्ट अक्टूबर 16 को ट्रेडिंग स्टार्ट हुई और पहला अकाउंटिंग ईयर एंड आपने बनाया 31 दिसंबर 17 पे, प्रॉफिट है 30,000. सब्सिक्वेंट अकाउंटिंग ईयर एंड 31 दिसंबर 18, प्रॉफिट है 36,000. और सब्सिक्वेंट अकाउंटिंग पीरियड 31 दिसंबर 19 और उसका प्रॉफिट है 40,000. सही है, रेलेवेंट असेसेबल प्रॉफिट फाइंड आउट करना है एंड ओवरलैपिंग प्रॉफिट निकालना. सो हमने वही अपना नॉर्मल रूट अडॉप्ट किया, टैक्स ईयर, बेसिस पीरियड एंड प्रॉफिट. सो बाय द वे हमारा ये कौन सा टॉपिक चल रहा है, बेसिक इनकम टैक्स कंप्यूटेशन, कैपिटल अलाउंसेस, ट्रेडिंग इनकम, पार्टनरशिप. पार्टनरशिप में बेसिस पीरियड साथ साथ ही इसका कवर होगा. तो ये बेसिस पीरियड मेरे ख्याल से शायद पांचवा टॉपिक चल रहा है हमारा. तो हमने 1 अक्टूबर 16 से स्टार्ट किया और 5 अप्रैल 17 पे जाके एंड कर दिया. अगर आप महीने काउंट करेंगे तो कितने बनते हैं, 6 महीने. 6 महीने आउट ऑफ 15 15 आंसर बनता है 12,000. चेक कर लें आंसर. पीरियड बनता है 16-17 और अगला जो पीरियड बनेगा, क्योंकि ये लॉन्ग पीरियड है तो दिसंबर 17 से बैक जाएंगे 12 महीने. तो ये बनेगा 1 जनवरी 17 और प्रॉफिट बनेगा 30,000 का 12 डिवाइडेड बाय 15 और ये बनेगा तकरीबन 24,000 और ये पीरियड बनेगा 17-18. इसके अंदर ओवरलैपिंग निकलेगी. तो मैंने ओवरलैपिंग का ये जो रूल बताया था ना, ये हमेशा यहाँ काम आएगा. 1 जनवरी 17 से 5 अप्रैल 17 और जो दूसरा शॉर्टकट बताया था वो भी काम आएगा. 3 महीने की ओवरलैपिंग है. चेक कर ले, 12 और 24 36,000 और प्रॉफिट था 30,000 का और टैक्स दे दिया 36,000 के ऊपर. तो 6,000 का जो एक्सिस टैक्स दिया वो 6,000 का एक्सिस टैक्स क्या कहलाएगा, ओवरलैप प्रॉफिट. तीसरा टैक्स ईयर क्या होगा, करंट ईयर बेसिस 36,000 और ये इसी तरह से ऑनगोइंग बन के आगे चलता जाएगा और कंटिन्यू चलता चला जाएगा. तो ये हमारा लॉन्ग पीरियड ऑफ अकाउंट भी कंप्लीट हो गया. शुरू से अगर मैं दोबारा रिकॉल करूं तो हमने डिस्कस किया था कि बिजनेस के 3 स्टेजेस होते हैं. एक ऑनगोइंग बिजनेस होता है, एक कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस होता है. तो ऑनगोइंग का तो हमने सिंपल सा रूल अडॉप्ट किया, करंट ईयर बेसिस का. कमेंसमेंट पे हमने 3 सिनेरियोज बनाए कि वो शॉर्ट अकाउंटिंग पीरियड भी हो सकता है, वो मीडियम भी हो सकता है, स्टैंडर्ड भी हो सकता है और वो लॉन्ग पीरियड ऑफ अकाउंट भी हो सकता है.
और पहला साल, दूसरा साल और तीसरा साल ऑनवर्ड्स उसकी बेसिस पीरियड कैसे आइडेंटिफाई की जाती है। लेकिन उसके अंदर हमने जब भी पहले साल पे पहुंचने के बाद जब सेकंड ईयर पे जाएंगे तो ये चेक करते हैं कि अकाउंटिंग ईयर सेकंड टैक्स ईयर के अंदर फॉल हो रहा है या नहीं हो रहा। होता है तो फिर हम ये रूल बनाते हैं, शॉर्ट का ये रूल होगा, स्टैंडर्ड का ये रूल होगा और लॉन्ग पीरियड का ये रूल बनेगा। अब मैं आपको एक सिनेरियो बताता हूँ जिस सिनेरियो के अंदर हमारे जो अबव रूल हमने पढ़े थे वो अबव रूल हमारे काम नहीं आएंगे और थोड़ी सी गड़बड़ हो जाएगी और हम एक ट्रैक से जो है ना वो हट जाएंगे और फिर देखते हैं कि हमारे साथ क्या होता है। ठीक है, उस ट्रैक से हटेंगे तो फिर देखते हैं हमारे साथ क्या होता है। तो ये जो सिनेरियो बनाने जा रहा हूं मैं इसको कहते हैं टैक्स ईयर मिसिंग। एक बंदा है, उसने एक बिजनेस स्टार्ट किया 1 जून 17 को उसने एक बिजनेस स्टार्ट किया और उसने इस बिजनेस को जब पीरियड ऑफ अकाउंट बनाने का सोचा तो उसने बिजनेस का पीरियड ऑफ अकाउंट बनाने का सोचा 30th अप्रैल का कि मैं 30th अप्रैल को अपना अकाउंटिंग ईयर एंड करूंगा। तो 30th अप्रैल 18 पे भी आना था, 30th अप्रैल अगर 18 पे आ जाता तो वो भी लॉन्ग पीरियड होता। लेकिन उसने कहा मैं अपना पहला अकाउंटिंग ईयर बनाता हूँ 30th अप्रैल 19 और उसमें उसने प्रॉफिट दिखाया कि उसको 65,000 का प्रॉफिट हुआ। उसके बाद उसने अपना अगला अकाउंटिंग ईयर बनाया 30th अप्रैल 2020 और उसके अंदर उसका प्रॉफिट आया 80,000। हाँ, हम इसे अपने नॉर्मल तरीके से करेंगे ना तो पहला साल तो हमेशा वही बनेगा। लेट्स ट्राई आउट पहला साल, फिर मैं इसी के अंदर रूल समझाऊंगा कि रूल कैसे बनेगा। टैक्स ईयर, बेसिस पीरियड। अच्छा, ये जो मसला है ना टैक्स ईयर मिसिंग का, ये मसला आता ही तब है जब अकाउंटिंग पीरियड बहुत ज्यादा लॉन्ग हो जाता है। अगर आप चेक करें 1 जून 17 से अप्रैल 19, जरा काउंट करें कितना पीरियड बन रहा है, ये 20-22 आगे तक जा रहा है। कौन है? अजान आ रही है, चले भाई अजान का ब्रेक, अजान का ब्रेक। ये पूछा था कि इसका पीरियड ऑफ अकाउंट कितना बन रहा है जून से लेकर 30th अप्रैल 19 में। तो जून से लेकर दिसंबर 6 महीने तो यहाँ कवर होते हैं, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, नहीं 7 महीने कवर होते हैं। 2017 में 7 महीने, फिर पूरा 2018 12 महीने, सही है। तो ये कितना पीरियड बनता है ये बताएगा सर? 30 23 months, 23 months, 23 months बनते हैं, too much long period of account. लेकिन अब अपना पहला साल नॉर्मल तरीके से बनाएंगे, उसमें टेंशन नहीं। पहला साल कहाँ से शुरू होगा? 1 जून 17 से शुरू होगा और 5 अप्रैल 18 पे जाके खत्म हो जाएगा। सो जून से लेकर 18 कितने महीने बनते हैं? 10 महीने बनते हैं। तो हम 65,000 में इंटू 10 / 23 करेंगे, आंसर बोले। कितना प्रॉफिट बनता है? असेसिबल प्रॉफिट 28260। अच्छा, ये बंदा है ना थोड़ा सा होशियार बनने की कोशिश कर रहा था। अगर अकाउंटिंग ईयर अप्रैल 19 में जाता है तो ईयर एंड के रूल के हिसाब से इसको टैक्स देना पड़ेगा 19-20 में। बिजनेस स्टार्ट किया 1 जून 17 में और टैक्स ईयर टैक्स बनेगा 19-20 में, यानी कि 2 साल छुट्टी। लेकिन टैक्स वाले छुट्टी नहीं देते, टैक्स वालों ने कहा भाई आप 17-18 में हमें 28260 के ऊपर टैक्स देंगे, ओके फाइन। अब हम नॉर्मल रूल से अगर चलें तो उसके हिसाब से जब मैं अपना ईयर एंड चेक करता हूं तो ईयर एंड 30th अप्रैल 19 क्या पहला अकाउंटिंग ईयर नेक्स्ट टैक्स ईयर के अंदर फॉल हो रहा है 18-19 में? चेक करें क्या 30th अप्रैल 19 18-19 में आ रही है? नहीं नहीं आ रही। किस में आ रही है?
19-20 में आ रही है, इसका मतलब आप बीच में से पूरा टैक्स ईयर गायब कर दिया आपने, आपने डेट ऐसी बनाई कि पूरा टैक्स ईयर उड़ा दिया आपने। अगर हम अपने नॉर्मल रूल से चलें तो बीच में से टैक्स ईयर गायब है, और टैक्स वाले कभी भी टैक्स ईयर आपको स्किप करने की इजाजत नहीं देते। अब व्हाट टू डू, तो वो आपको कहेंगे ठीक है भाई आपने डेट ऐसी बनाई ना, अब एक काम करें आप एक्चुअल टैक्स ईयर बना दें, जो कि स्टार्ट कहां से होगा, 6 अप्रैल 2018 से स्टार्ट होगा और 5 अप्रैल 2019 पे जाके खत्म होगा एक्चुअल टैक्स ईयर, और इसका टैक्स आपका बनेगा 65,000 × 12/23। ये निकाले, टैक्स वाले एक्चुअल टैक्स ईयर इंट्रोड्यूस करवा देंगे अगर आपने बीच में स्किप किया तो। 3 3 9 1 3 3 3 9 1 3 9 1 3। तो ये जो स्किप वाला रूल है, ये टैक्स ईयर मिसिंग जब भी हमें मिलेगा सेकंड ईयर के अंदर, तो हम क्या करेंगे, एक्चुअल टैक्स पीरियड इंट्रोड्यूस करवा देंगे। और एक्चुअल टैक्स पीरियड क्या होता है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम 6 अप्रैल एंड इट एंड एट 5 अप्रैल। सही है? अब तीसरे साल में क्या होगा, अब तीसरे साल के अंदर जो थर्ड ईयर हम बनाएंगे, वो थर्ड ईयर ईयर एंड से बैक 12 महीने, 12 महीने बैक जाए। अब तीसरे साल में करंट ईयर बेसिस नहीं आएगा, बल्कि करंट ईयर बेसिस चौथे साल से शुरू होगा। सो अगर हम बैक जाते हैं तो हमारे 65,000 × 12/23 3 3 9 1 3 यही बनता है। अब आप कह रहे हैं यार मेरे साथ जुल्म हो रहा है, तो भाई जब आप आपकी हरकतें ठीक नहीं है और करो हरकतें, जुल्म तो होगा। तो तीसरा टैक्स ईयर आपका बन गया। अब आप बताएं ओवरलैप कितना हुआ, तो इसके अंदर 17, 18 और 18-19 में तो कभी भी ओवरलैपिंग नहीं आएगी। इसके अंदर जो ओवरलैपिंग आएगी वो हमेशा 18-19 में और 19-20 में ओवरलैपिंग आएगी। कोई बताएगा कितनी ओवरलैपिंग है? मेरे हिसाब से ओवरलैपिंग ये बनती है 11 महीने की सर। मेरे हिसाब से ये बनती है, लेट मी चेक। मेरे हिसाब से ये पीरियड पूरा डुप्लीकेट हो रहा है, फर्स्ट मई से 5 अप्रैल, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च 3 6 9 2 11 11 मीन 65,000 × 11/23। अब तो समझ, जरा आंसर बताएं। सर ये 31086, ये ओवरलैप प्रॉफिट आ गया। इसको क्रॉस चेक कर सकते हैं, जो टेक्निक मैंने बताई ना उस हिसाब से अगर आप इसको क्रॉस चेक करेंगे तो यही आंसर निकलेगा। तो दोबारा रिपीट कर लेते हैं, अगर टैक्स ईयर मिसिंग हुआ तो पहला टैक्स ईयर तो नॉर्मल बनेगा कमेंसमेंट से 5 अप्रैल, दूसरा टैक्स ईयर एक्चुअल बेसिस के ऊपर टैक्स वाले डाल देंगे, तीसरा टैक्स ईयर वही ईयर एंड से पीछे 12 महीने, और फिर चौथे टैक्स ईयर से वो नॉर्मल करंट ईयर बेसिस होगा, और ओवरलैपिंग जो है वो पहले दूसरे टैक्स ईयर के दरमियान कभी नहीं आएगी, दूसरे और तीसरे टैक्स ईयर के दरमियान ओवरलैपिंग आएगी जो यहाँ नजर आ रही। अगर कोई ये चेक करना चाहता है कि रूल के हिसाब से शॉर्टकट, तो 65,000 पे हमने टैक्स 65,000 पे टैक्स देना था, दिया कितना, इन तीनों को प्लस कर लें, इन तीनों को प्लस करें और 65,000 को माइनस कर दें और चेक करें ओवरलैपिंग का वही आंसर आता है जो मैंने लिखा है, क्रॉस चेक हो जाएगा। अरे अब यस सर सेम ऐसा ही है, परफेक्ट। चले एक और सवाल करते हैं,
थोड़ी सी आसानी हो जाएगी, क्लियर हो जाएगा सवाल और कॉन्सेप्ट. कितने सिनेरियो तक पहुंच गए, कौन सा सिनेरियो चल रहा है, चौथा सिनेरियो चल रहा है. ठीक है, सो हमारा एक बिजनेस स्टार्ट हुआ, बिजनेस कमेंस्ड ऑन 1st January 16. ठीक है जी, और हमारा जो अकाउंटिंग ईयर एंड हमने बनाया वो बनाया जून 17. प्रॉफिट कमाया 27,000. फिर उसका अकाउंटिंग ईयर एंड हमने बनाया जून 18, सही है, 30,000. तुम लोग जब ये टॉपिक कंप्लीट कर लोगे ना, तो इसके 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस के मैं आप लोगों को फॉरवर्ड करूंगा सॉल्व करने के लिए, जिस तरह मैंने बेसिक के फॉरवर्ड किए, कैपिटल अलाउंसेस के फॉरवर्ड किए. अब जो करेगा ना उसका फायदा है, और जो नहीं कर रहा इस फारिक टाइम के अंदर भी नहीं कर रहा वो उसका नुकसान है कि वो क्यों नहीं कर रहा. ठीक है जी. अच्छा जी, अब हम इसका बेसिस पीरियड बनाते हैं हर साल का, जितने भी साल हमसे बन सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली टैक्स ईयर, बेसिस पीरियड एंड असेसेबल प्रॉफिट. और मैंने कुछ होमवर्क भी दिए थे ट्रेडिंग प्रॉफिट से रिलेटेड, शायद तुम लोगों में से किसी ने कर लिया होगा. कहाँ जाएंगे, 16. टैक्स ईयर क्या बना, 15-16. कितने महीने का प्रॉफिट पे टैक्स लगेगा, 3 महीने के प्रॉफिट पे टैक्स लगेगा. पीरियड आइडेंटिफाई करो कितना है, कितने महीने बनते हैं, 18 16 बनते हैं. कहाँ यार, जनवरी 16 से जून 17, 18 महीने बनते हैं मेरे भाई. 18 महीने का आंसर 4,500. यह आपका पहला साल हो, यह आपका फर्स्ट टैक्स ईयर हो गया. ठीक है, अब सेकंड टैक्स ईयर में जब जा रहे हैं तो जाने से पहले जरा इस डेट को चेक करें, इसका टैक्स ईयर आइडेंटिफाई करें. क्या बन रहा है, अकाउंटिंग ईयर एंड, अकाउंटिंग ईयर एंड फॉल्स इन थर्ड टैक्स ईयर, सही है. तो बीच में से ये पूरा साल मिस हो गया, पूरा साल स्किप कर दिया इसने, तो इसका मतलब है मैं एक्चुअल बेसिस अप्लाई करूंगा. टैक्स अथॉरिटी एक एक्चुअल टैक्स ईयर दे देगी, जिसका आंसर होगा 27,000 इंटू 12 डिवाइडेड बाय 18. ये निकाले जी, सही है. उसके बाद क्या करें, आप 30th June से बैक जाएं 12 महीने, तो ये बनते हैं 1st July 16, 12 महीने, 27,000 into 12 by 18, फिर 18,000, सही है जी. ओवरलैपिंग निकालें. अच्छा पहले मैं अगला साल लिख दूं नॉलेज के लिए, 18-19 करंट ईयर बेसिस बन जाएगा, 30th June 18, 30,000, यानी कि यहाँ से नॉर्मलाइज हो जाएगा, और उसके बाद करंट ईयर बेसिस चलना शुरू हो जाएगा. तो ओवरलैपिंग किसके अगेंस्ट है, ओवरलैपिंग इसमें और इसमें है. कितनी ओवरलैपिंग है, पूरा 18,000 डुप्लीकेट हो रहा है, नहीं, 18, 18, 36 और 4,500, और उसको 27,000 से कंपेयर कर लो, 9 महीने का शेयर. और ये डेट बनती है मेरे हिसाब से 1st July 16 से 5th April 17. लिख देता हूँ मैं यहाँ पे ओवरलैप, 9 महीने, फर्स्ट, जी जी, 1st July 16 से 5th April 17, 9 months बनते हैं, और 27,000 इंटू 9 by 18, तो ये आंसर कितना बनता है, हाफ, 13,000
500 का ओवरलैप प्रॉफिट। अब यहाँ पे किसी को कोई सवाल है तो जस्ट पुट योर क्वेश्चन फॉरवर्ड, फिर मैं आगे चलता हूँ तीसरे रूल की तरफ, दैट इज द सेसेशन ऑफ बिजनेस, क्लोजिंग ईयर ऑफ बिजनेस, बिजनेस बंद होने जा रहा है। Any question? तकरीबन आप समझ लें 80-90% चैप्टर कंप्लीट हो गए। Although it's a tough one. अगर कोई सवाल नहीं है तो लेट मी जस्ट मूव फॉरवर्ड। सेसेशन ऑफ बिजनेस, क्लोजिंग ईयर रूल। For example, इसका रूल बताने से पहले मैं आपको एक छोटी सी एग्जाम्पल बताता हूँ या फिर एक चीज बताता हूँ। देखें, अभी हमने शुरू में डिस्कस किया था कि जो भी ओवरलैप प्रॉफिट आएगा वो ओवरलैप प्रॉफिट का रिलीफ, जो हमने ज्यादा प्रॉफिट दे दिया है वो हमें आखिरी साल में उस रिलीफ, उसका रिलीफ मिलेगा। कैसे मिलेगा, किस तरह से मिलेगा। एंड सिमिलरली मैंने ये कहा था कि पहला टैक्स ईयर और आखिरी टैक्स ईयर 12 महीने का भी हो सकता है, शॉर्ट भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। सही। अच्छा, अकाउंटिंग ईयर नॉर्मली डिस्टर्ब क्यों होता है? क्योंकि जब बिजनेस शटडाउन हो जाता है तो वो इंतजार नहीं करेगा कि 12 महीने पूरे होंगे तो बिजनेस बंद करूंगा, वो तो इमीडिएटली बिजनेस बंद कर देगा। मसलन फॉर एग्जांपल, एक बिजनेस चल रहा था और उसका अकाउंटिंग ईयर एंड चल रहा था जून 16, फिर जून 17, फिर जून 18, वो इस तरह से चल रहा था। तो जून 18 पे उसने अपना ईयर एंड किया, उसके बाद उसको बिजनेस शट डाउन करना पड़ा, तो उसने अपना बिजनेस शट डाउन कर दिया 31 December 2018 पर। अब आप उसे ये कोई कहेंगे कि यार जून 19 पे एंड करते हैं, वो तो जब चाहेगा अपना बिजनेस एंड कर सकता है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा बिजनेस चल रहा था और अचानक से बिजनेस के अंदर प्रॉब्लम आई और बिजनेस क्लोज करना पड़ा हमें 31 December 2018 के ऊपर जाकर। वॉट टू डू नाउ, इसका बेसिस पीरियड, आखिरी साल का बेसिस पीरियड किस तरह से बनाया जाएगा। सही। अब देखते हैं इसको कैसे करते हैं। तो इसकी मैं एक एग्जांपल बनाता हूं, फिर उस एग्जांपल के हिसाब से मैं आपको उसका रूल बताऊंगा। सो फॉर एग्जांपल, एक बिजनेस चल रहा था और उसका अकाउंटिंग ईयर एंड था से सपोज 31 December, और वो बिजनेस एक ऑनगोइंग बिजनेस था और उसने अपना अकाउंटिंग ईयर एंड हमें दिया 30 June 2016, उसके बाद 30 June 2017, उसके बाद 30 June 2018, उसके बाद उसने बिजनेस क्लोज कर दिया। तो बिजनेस जब क्लोज हुआ तो पीरियड एंडेड वो बना आपका 30 April 2019, या उसे प्रॉफिट था 40,000 का, यहाँ प्रॉफिट हुआ 50,000 का, यहाँ प्रॉफिट हुआ 30,000 का, और यहाँ प्रॉफिट हुआ उसे 15,000 का। और उसके पास एक ओवरलैप प्रॉफिट, जब से उसने बिजनेस स्टार्ट किया था वहां से ब्रॉड फॉरवर्ड पड़ा हुआ आ रहा था 5,000 का। आइडेंटिफाई बेसिस पीरियड। And accessible profit. ये हमें identify कर। Business close हो गया। Business कब close हुआ? 30 April 2019 के। सही है? अब इसका तरीका ये, तरीका सुने, तरीका ये है कि identify the tax year in which business ceased. सबसे पहले हम क्या काम करेंगे? वो ईयर आइडेंटिफाई करेंगे जिसके अंदर बिजनेस सीज हुआ। तो बिजनेस कहां सीज हुआ? बिजनेस सीज हुआ 30 April 2019 में, और 30 April 2019 के हिसाब से जो डेट बनती है वो हमारी डेट बनती है ईयर 1920। उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद आइडेंटिफाई करने के बाद उसका प्रीवियस टैक्स,
प्रीवियस पीरियड आइडेंटिफाई करेंगे, चेक प्रीवियस पीरियड डेट। तो प्रीवियस जो पीरियड था 30th June 2018 उसका टैक्स ईयर आइडेंटिफाई करें, वो क्या बनता है 18-19। ये दो काम करते हैं, दोबारा रिपीट कर देता हूँ, पहले जिस पीरियड में बिजनेस क्लोज हो रहा है उसका टैक्स ईयर आइडेंटिफाई करें, और उसके बाद उसका जो इमीडिएट प्रीवियस टैक्स ईयर होगा उसका टैक्स ईयर आइडेंटिफाई करें। दो सिचुएशन बनेगी, पहली सिचुएशन ये बनेगी कि आपका सेसेशन वाला पीरियड और उसका प्रीवियस पीरियड दो डिफरेंट टैक्स ईयर के अंदर फॉल हो, और एक सिचुएशन ऐसी बनेगी कि आपका सेसेशन वाला पीरियड भी 19-20 हो और उससे प्रीवियस पीरियड भी 19-20 हो। ये दो सिचुएशन बन सकती है, तो दो एग्जांपल करूंगा जिसके अंदर ये दोनों सिचुएशन हमारी होपफुली कवर हो जाएंगी, सही है, और उसके हिसाब से हम कंसिडर कर लेंगे। तो अगर आपका सेसेशन वाला पीरियड अलग है और उसका जो प्रीवियस पीरियड है वो अलग है, तो प्रीवियस पीरियड को तो आप CYB के ऊपर रखेंगे, और अगर ऐसा हो जाता है फॉर एग्जाम्पल कि हमने आइडेंटिफाई किया सेसेशन वाला पीरियड और वो सेसेशन वाला पीरियड बनता है 19-20, और हमने प्रीवियस पीरियड आइडेंटिफाई किया और वो प्रीवियस पीरियड भी बनता है 19-20, तो अगर दो पीरियड सेम हो जाएं, यानी कि एक ही टैक्स ईयर में फॉल हो जाएं, तो उनको अलग अलग ट्रीट नहीं करेंगे, उन दोनों को हम मर्ज कर देंगे। अगर वो अलग अलग होंगे तो ट्रीट देम सेपरेटली, और अगर वो एक ही टैक्स ईयर में लाए हो जाएं, तो उन दोनों को मर्ज करके आखिरी टैक्स ईयर बनाया जाएगा। ये है रूल, और इस रूल को फिर हम अब दो डिफरेंट एग्जांपल के अंदर अप्लाई करेंगे। एक एग्जांपल करूंगा अलग अलग की और एक एग्जांपल करूंगा दोनों को मर्ज करने की, तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से कहानी चल रही है, रूल कैसे अप्लाई हो। जस्ट फॉलो मी। फॉर एग्जांपल अ बिजनेस वाज क्लोज्ड ऑन 30th June 2018, सही, अकाउंटिंग ईयर एंड वाज 31st December, टैक्स एडजस्टेड प्रॉफिट, अकाउंटिंग ईयर एंड 30th June 2016, हैविंग अ प्रॉफिट ऑफ 42,000, अकाउंटिंग ईयर एंड 30th June 2017, Let me just correct. Accounting year end 31st December 2016, accounting year end 31st December 2017, having a profit of 52,000, and period ended 30th June 2018. वैसे तो 31st December 2018 आना चाहिए था, लेकिन क्योंकि ये बिजनेस क्लोज हो गया तो हमने ईयर एंड नहीं लिखा, हमने पीरियड एंड लिखा, और उसने 25,000 का प्रॉफिट कमाया, और शुरू से उसके पास एक ओवरलैप प्रॉफिट पड़ा हुआ था, इंतजार कर रहा है रिलीफ लेने के लिए, और वो था 2,000 का। अब हमें इसके टैक्स ईयर रेलेवेंट आइडेंटिफाई करने हैं, तो हमने अपना वही प्रिंसिपल आइडेंटिफाई किया कि इसका पीरियड एंड किस में हुआ है, इसका पीरियड एंड हुआ है जून 18 में, तो क्या बनता है 18-19। उससे पिछला साल कहाँ एंड हुआ था, दिसंबर 17 में, वो क्या बनता है 17-18। क्या दोनों सेम है, तो आंसर आ गया नहीं, दोनों अलग अलग हैं, तो ट्रीट देम सेपरेटली। और जो भी बाकी पीरियड होगा 17-18 तक, तो करंट ईयर बेसिस चलेगा, और 18-19 में जितना भी पीरियड होगा सारा एक साथ टैक्सेबल होगा, चाहे 12 महीने हो, लेस देन 12 महीने हो, या ग्रेटर देन 12 महीने। अब देखिए मैं इसको कैसे ट्रीट करता हूं और कैसे इसको मैं लिखूंगा, चेक इट आउट। तो हमने
अपना वही नॉर्मल अंदाज रखा, टैक्स ईयर आइडेंटिफाई किया, उसका बेसिस पीरियड आइडेंटिफाई किया और उसका असेसिबल प्रॉफिट आइडेंटिफाई किया। और स्टार्ट से अगर हम चलते हैं तो हम स्टार्ट से चलते हैं, पहला ईयर एंड हुआ है दिसंबर 16 में, ऑनगोइंग बिजनेस था दिसंबर 16 में, तो ये बना करंट ईयर बेसिस 31st दिसंबर 16, पूरे प्रॉफिट पे टैक्स लगा 42,000 इन द ईयर 16-17। फिर हम आए 17-18 पे ऊपर, करंट ईयर बेसिस 31st दिसंबर 17 और ये आ गया 52,000। और अब हमारा जो पीरियड है जितना भी बाकी बचा होगा वो हम उसको कवर कर लेंगे 18-19 के अंदर, पीरियड एंडेड 30th June 18। तो कितना पीरियड बना दिसंबर 17 से 30th June 18, तो ये जो पीरियड बना 30th June 18 तक वो बना 6 महीने, जनवरी से जून, और 6 महीने का हमारा जो प्रॉफिट है वो कितना है 25,000। लेकिन हमें ओवरलैप प्रॉफिट का रिलीफ मिल जाएगा और हम प्रॉफिट कितने प्रॉफिट पे टैक्स देंगे, हम सिर्फ 23,000 के प्रॉफिट पे टैक्स देंगे, 25,000 के प्रॉफिट पे टैक्स नहीं देंगे 18-19। क्यों? क्योंकि हमने 2,000 का एक्स्ट्रा टैक्स पे किया हुआ था शुरू के सालों में, तो हमें वो टैक्स से रिलीफ मिल जाएगी, रिफंड मिल जाएगा, बाद में वापस मिल जाएगा जो हमने दिया था। यानी कि ओवरलैप प्रॉफिट जो होगा वो लास्ट अकाउंटिंग पीरियड के लास्ट टैक्स ईयर के अंदर डिडक्ट हो जाता है प्रॉफिट में से, ताकि हमें उसका बेनिफिट मिल जाए। यहाँ ये बात समझ में आती है सबके? अगर आप ओके करें तो मैं दूसरी एग्जाम्पल पे जाऊं, कंबाइन करने वाली एग्जाम्पल के ऊपर। सेट है? फिर बता देता हूं, पहले क्लोजिंग ईयर आइडेंटिफाई करते हैं और उसके बाद फिर हम उसका पिछला साल आइडेंटिफाई करते हैं, देखते हैं दोनों सिमिलर हैं दोनों डिफरेंट हैं, और उसके अकॉर्डिंगली फिर हम अपनी कैलकुलेशन करते हैं। चलें एक एग्जांपल और करेंगे तो फर्दर क्लियर हो जाएगा। अब मैं मर्ज करने वाली एग्जांपल कर रहा हूं, आखिरी साल में यूजुअली लॉस आता है, लेकिन अभी हम लॉस का चैप्टर हमने स्टार्ट नहीं किया। जब हमारा लॉस का चैप्टर आएगा तो पहले साल में भी लॉस आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, आखिरी साल में भी लॉस आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, दैट वुड बी अ ट्रबल, क्योंकि लॉसेस को हैंडल करना इट्स अ वेरी टफ टास्क। सो उसमें बेसिस पीरियड की दोबारा कैलकुलेशन आएगी, तो अभी हम सिर्फ प्रॉफिट प्रॉफिट खेल रहे हैं, ओपनिंग में भी प्रॉफिट, ऑनगोइंग में भी प्रॉफिट और एंड में भी प्रॉफिट। यानी कि आप लोगों की जो अगली क्लास होगी, अगेन इट वुड बी अ वेरी इंपॉर्टेंट क्लास, टैक्स लॉसेस। आइडेंटिफाई बेसिस पीरियड। सर अजान हो रही है, जैसे एक अजान का अगर कोई जवाब दे देना तो दूसरी अजान के ऊपर जवाब देने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि 50 अजानें भी हो सकती हैं, लेकिन फिर भी हम रुक जाते हैं। बेसिस पीरियड आइडेंटिफाई करना है और उसकी एडजस्टमेंट करनी है। अब इस सवाल में अगर मैं थोड़ा सा जाऊं, बिजनेस क्लोज कब हुआ है और इसका टैक्स ईयर आइडेंटिफाई करूं, तो ये बनता है 18-19। प्रीवियस टैक्स ईयर में जाऊं, प्रीवियस पीरियड एंड में जाऊं, उसका टैक्स ईयर आइडेंटिफाई करूं, जून 18-19, तो इनको सेपरेटली ट्रीट नहीं किया जाएगा और इससे प्रीवियस वाले जो भी होंगे वो सब करंट ईयर बेसिस पे चलेंगे और इन दोनों को मर्ज कर दिया जाएगा
और इसमें से ओवरलैप का रिलीफ फाइंड आउट कर लिया जाएगा. सो लेट्स जस्ट पुट इट ऑन द नोट्स. जून 16, जून 18 करंट ईयर बेसिस पे जाएंगे. तो करंट ईयर बेसिस 30th जून 17 प्रॉफिट था 40,000 एंड 25,000. ये तो आप नॉर्मल करंट ईयर बेसिस के ऊपर देंगे. इसका टैक्स ईयर होगा 16-17 और इसका टैक्स ईयर होगा 17-18. अब नेक्स्ट टैक्स ईयर क्या बनता है? 18-19. और 18-19 में हमारा पीरियड जो बनता है, जितना भी प्रॉफिट अब तक असेस नहीं हुआ, चाहे वो 12 महीने का हो, मोर देन 12 महीने का हो, फाइनल ईयर के अंदर हम कवर कर लेंगे. सो कहाँ तक कवर करेंगे? तो हमारा जो फाइनल पीरियड होगा, वो फाइनल पीरियड होगा अप टू, जो अभी हमारी डेट बनी है, 31st दिसंबर 18. जितना भी बच चुका होगा वो 31st दिसंबर 18 में कवर कर लिया जाएगा. तो वो हमारा बनता है लास्ट पीरियड 9,000, उससे पिछला पीरियड 18,000. तो हम इस तरह से लिखेंगे 18,000 प्लस 9,000 और इसमें से ओवरलैप डिडक्ट कर देंगे. ओवरलैपिंग कितनी? 5,000 की ओवरलैपिंग है. 5,000 की ओवरलैपिंग डिडक्ट हो गई. तो पिछले दो पीरियड माइनस ओवरलैपिंग, 27,000 में से 5,000 माइनस करेंगे तो आंसर आता है, दिस इज द एंड ऑफ द क्वेश्चन. सही है जी. अब एक सवाल और कर लेते हैं जिसके अंदर हम सब कुछ मिक्स कर देता हूं मैं. स्टार्ट से करते हैं. लोग ओपनिंग ईयर को सोचते जाओ ये कौन सा रूल चल रहा है. उसके बाद मैंने बिजनेस को क्लोज कर दिया. बिजनेस क्लोज हुआ, पीरियड एंडेड. और इसके अंदर भी 30,000 का प्रॉफिट. ये है हमारा सवाल जिसमें बिजनेस स्टार्ट हुआ 1st नवंबर 2016 को और बिजनेस टर्मिनेट हो गया 30th अप्रैल 2020 को. सो लेट्स आइडेंटिफाई, शुरू से करते हैं. कमेंसमेंट के रूल अप्लाई करेंगे, फिर ये ऑनगोइंग बिजनेस बनेगा और उसके बाद ये सेसेशन के पीरियड में चला गया. तो इस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे तो आपको पता लग जाएगा. आपके पास बुक में टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग नंबर 8 है, वो आप नोट कर लें. वो इसी तरह स्टार्ट और एंड के ऊपर बनी हुई है. तो इट विल गिव यू अ गुड प्रैक्टिस कि आप उसको हैंडल कर सकते हैं. सही है. अच्छा जी, चलें मूव ऑन. So, टैक्स ईयर हमें पार्टनरशिप में भी थोड़ा बहुत इसकी में, वैसे तो पार्टनरशिप में कोई नई चीज नहीं है, लेकिन पार्टनरशिप में भी एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, तो वो जो एडमिशन और रिटायरमेंट वाला पार्ट है वो अभी हमने कवर नहीं किया. तो हम पहले एडमिशन और रिटायरमेंट और उससे रिलेटेड बेसिस पीरियड वाली कहानी डिस्कस करेंगे और उसके बाद फिर हम टैक्स लॉसेस वाले चैप्टर पे जाएंगे. यानी कि अगला एजेंडा अगली क्लास से पहले आप जरा पार्टनरशिप को देखेंगे ताकि पार्टनरशिप का कॉन्सेप्ट एलोकेशन वाला क्लियर हो
तो मैं नए पार्टनर को इंट्रोड्यूस करवाऊंगा, पुराने पार्टनर को भगाऊंगा, टर्मिनेट करूंगा और उसके बाद उस पर बेसिस पीरियड और एलोकेशन के रूल अप्लाई करूंगा। सो यहाँ मेरा बिजनेस स्टार्ट कहाँ से हुआ था, 1 नवंबर 2016 अक्टूबर 17। क्या ये पीरियड 12 महीने का बनता है पहला वाला? फर्स्ट नवंबर 2016 पहला साल का रूल क्या था? सोलह सत्रह और पीरियड आइडेंटिफाई हुआ नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च, 5 महीने 20,000 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 12। आंसर बताएं जी। सही है। तो कमेंसमेंट का पहला साल हो गया फर्स्ट टैक्स ईयर, क्योंकि ये 12 महीने हैं तो जो अगला टैक्स ईयर होगा वो नवंबर 16 से स्टार्ट होके 30th अक्टूबर 17 पे एंड हो जाएगा और पूरा 20,000 का प्रॉफिट यहाँ पे एसेसिबल हुआ और ये बना 17-18 और इस पर हमने साइड में ओवरलैपिंग निकाल ली, ओवरलैप बना 8333, ये ओवरलैपिंग निकाल दी हमने साइड। तो ये पहला ईयर हमारा कंप्लीट हो गया 20,000 वाला। उसके बाद से ये दो पीरियड के अंदर करंट ईयर बेसिस बनेगा 30,000 एंड 40,000। सो करंट ईयर बेसिस 30,000 एंड 40,000। डेट क्या बनी इसकी? डेट बनेगी 30th अक्टूबर 18, 30th अक्टूबर 19, 30th अक्टूबर 19, 18, 19 और 19 20। ये आइडेंटिफाई हो गया। अब हमने चेक किया लास्ट पीरियड की जो डेट बन रही है वो बन रही है 2021 और पिछले पीरियड की डेट बन रही है 1920 और लास्ट पीरियड की डेट बन रही है 2021। तो ये दोनों सेपरेट हो गए, तो हम लास्ट पीरियड को ले लेते हैं और लास्ट पीरियड जो हमारा बन रहा है नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च अप्रैल, 6 महीने का, एम आई राइट? ये पूरा 6 महीने 2021 के अंदर कवर हो जाएगा 30,000। पीरियड एंडेड 30th अप्रैल 2021 में कवर हो गया और 30,000 का प्रॉफिट है असेसिबल। ओवरलैपिंग कितनी आई? 8333। डिडक्ट कर दें ओवरलैपिंग, सही है। हाँ जी, अब सवाल टाइम, किसी को सवाल पूछना तो जी कम अप विद योर क्वेश्चन। एक छोटी सी चीज रह गई है, चॉइस ऑफ अकाउंटिंग डेट, कि अकाउंटिंग डेट कैसी बनानी चाहिए, क्या होगा क्या नहीं होगा, जस्ट थ्योरी। बाकी हमारा टॉपिक ये कंप्लीट हो चुका है बेसिस पीरियड का, सोल ट्रेडर का बेसिस पीरियड डन। पूछे जी कोई सवाल पूछना है तो, काफी मैंने एग्जांपल्स भी करवा दी, जैसे इस लेक्चर को गो थ्रू करना है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है, उसके बाद मैं बताऊंगा किट में एक दो सवाल सोल ट्रेडर के बेसिस पीरियड के कहां के बने। और उसके बाद 10 क्वेश्चन का एक हैंडआउट मिलेगा आप लोगों को प्रैक्टिस करने के लिए, जो आप लोगों को मुझे सबमिट करना है। चले, कोई सवाल नहीं है तो थ्योरेटिकल डिस्कशन करके इसको एंड करते हैं। चॉइस ऑफ अकाउंटिंग डेट, अकाउंटिंग डेट कैसे चूज की जाए, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? अच्छा, एक टॉपिक होता है चेंज ऑफ अकाउंटिंग डेट, ये आपके टीएक्स के पेपर में नहीं है,
या आपके ATX के पेपर में कि अगर चेंज ऑफ अकाउंटिंग डेट हो जाए, बीच में अकाउंटिंग पीरियड चेंज हो जाए, सब्सिक्वेंटली एक डेट बनाई बीच में से उसको चेंज कर दिया, तो उसका फायदा पता क्या होता है? उसका फायदा ये होता है कि अगर आपने बीच में अकाउंटिंग डेट चेंज की तो बाज दफा आपको ओवरलैप प्रॉफिट का रिलीफ जल्दी मिल जाता है, वरना जो TX के रूल्स के हिसाब से अगर आपको ओवरलैप प्रॉफिट का रिलीफ चाहिए तो आपको आखिरी साल तक इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन ये प्रैक्टिकल सॉल्यूशन नहीं है। प्रैक्टिकल सॉल्यूशन क्या है कि बाज दफा ऐसा होता है किसी वजह से आप अपना अकाउंटिंग ईयर चेंज कर देते हैं। अच्छा, टैक्स पर्पस के लिए अकाउंटिंग ईयर का चेंज वैसे अलाउड नहीं है, उसकी कंडीशंस हैं, वो भी हमारे सिलेबस में नहीं है। वो कंडीशंस अगर मीट होती हैं और आप अपना अकाउंटिंग पीरियड चेंज करते हैं तो उसके दो कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं। समटाइम्स आपका ओवरलैप प्रॉफिट और बढ़ जाता है और समटाइम्स आपका ओवरलैप प्रॉफिट का आपको रिलीफ मिल जाता है सेसेशन से पहले। ये दो सिनेरियोस, आप ATX का इंतजार करें क्या क्या उसकी सिचुएशन होती है। वैसे तो मैं अभी थोड़ी देर में फ्री होके आज ATX का चेंज ऑफ अकाउंटिंग डेट का एक टॉपिक रिकॉर्ड करूंगा, लेकिन वो आप लोगों के लिए रेलेवेंट नहीं है, वरना आप लोगों को दे देता। चलें, मूव ऑन। चॉइस ऑफ अकाउंटिंग डेट, कि अगर अकाउंटिंग डेट हमें चूज करनी हो तो किस तरीके से अकाउंटिंग डेट चूज की जाती है, सही है? तो उसमें दो सिनेरियो बनते हैं। अकाउंटिंग डेट आफ्टर 5th अप्रैल से क्या होता है और अकाउंटिंग डेट बिफोर 5th अप्रैल से क्या होता है, 5th अप्रैल या 5th अप्रैल से पहले, सही है? यानी कि मैं ये नहीं कह रहा जस्ट आफ्टर 5th अप्रैल बनाए या जस्ट बिफोर 5th अप्रैल बनाए, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? क्योंकि हमने ये देख लिया है कि जितना आप दूर जाते हैं, जितना आप उसको घुमाते हैं ज्यादा, उतना आपके लिए टेंशन ज्यादा होती है, सही? सो इस एग्जाम्पल के अंदर अगर मैं 30th अप्रैल की अकाउंटिंग डेट बना दूं और ये एग्जाम्पल कहती है कि मैं 31st मार्च बना दूं, एग्जैक्टली 31st मार्च पे चला जाऊं या 30th अप्रैल पे चला जाऊं, तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा? सो अगर हम 30th अप्रैल की बात करें कि अकाउंटिंग डेट जस्ट आफ्टर बनाई जाए तो उसकी इम्प्लीकेशन क्या होगी? पहली इम्प्लीकेशन, मैक्सिमम इंटरवल बिटवीन earning profit and having to pay tax liability. देखिए, कंपेयर करें, एक बिजनेस 28 फरवरी को एंड करता है और दूसरा बिजनेस जो है वो 30 अप्रैल को एंड करता है। उन दोनों में देखिए कितना सिग्निफिकेंट फर्क आ जाता है। जो 28 फरवरी को पे करेगा, अकाउंटिंग ईयर एंड करेगा, वो 17-18 में टैक्स देगा और जो अप्रैल 18 में पे करेगा वो 18-19 में देगा। तो पूरे एक साल का गैप आ जाता है अगर आप थोड़ी सी स्मार्टली डेट को ऐसे बनाएं कि वो 5th अप्रैल के बाद एंड हो, राइट? तो अगर आप 30th अप्रैल पे जाते हैं तो आपको प्रॉफिट अर्न करना और उसका टैक्स देने में एक सिग्निफिकेंट डिफरेंस आ जाता है और उसका आपको एडवांटेज हो जाता है कि आपने पहले प्रॉफिट कमाया और टैक्स डिले किया और टैक्स बाद में दिया। एक तो ये फायदा है, फायदा नंबर वन। दूसरा फायदा, टैक्स प्लानिंग आसान हो जाती है। टैक्स प्लानिंग इसलिए आसान हो जाती है कि आपके पास एक लॉन्गर पीरियड मिल जाता है अर्निंग प्रॉफिट और पेमेंट के दरमियान, तो आप बीच में कुछ गड़बड़ करके, कुछ ऐसे काम करके टैक्स अवॉइड कर सकते हैं। टैक्स इवेजन की बात नहीं कर रहा क्योंकि तो इलीगल होता है, तो आपके पास जितना ज़्यादा मार्जिन होगा टाइम का टैक्स देने में और प्रॉफिट कमाने में, तो आपको प्लान करने के अंदर आसानी हो जाती है। लेकिन अगर आप 30th अप्रैल पे जाएंगे या डिले करेंगे, मई पे जाएंगे, जून पे जाएंगे, तो उसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं और वो नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज क्या होते हैं? यू हैव टू बेयर ओवरलैप प्रॉफिट।
जितना दूर जाएंगे उतना ओवरलैप प्रॉफिट आपका इंक्रीज होता चला जाएगा। और अगर आप बिफोर पे जाते हैं, बिफोर 5th अप्रैल, जैसे फॉर एग्जांपल एक बंदा है वो 31st मार्च की डेट बना देता है, विच इज द सेम एज टैक्स ईयर, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? उसके कॉन्सिक्वेंसेस ये होंगे कि देयर विल बी नो ओवरलैप प्रॉफिट, बट शॉर्टेस्ट इंटरवल बिटवीन अर्निंग प्रॉफिट एंड पेमेंट ऑफ टैक्स। अच्छा एक बात ध्यान में रखें, जब आपका अकाउंटिंग ईयर एंड होता है वो जिस टैक्स ईयर में फॉल होता है तो इमीडिएटली टैक्स नहीं देना पड़ता, टैक्स देने की अपनी टाइमिंग्स होती हैं जो हम टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन के चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। बिजनेस को डेट बनाने में फायदे भी होते हैं नुकसान भी होते हैं। टैक्स प्लानिंग ऐसी करनी चाहिए, इस तरीके से टैक्स प्लानिंग करनी चाहिए कि आप इजीली जो है अपनी लायबिलिटीज को जो है ना वो टाइम डेफर कर सकें, प्लानिंग के लिए टाइम ले सकें, लेकिन उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, आपको ओवरलैप प्रॉफिट बेयर करने पड़ेंगे, आपको ओवरलैप प्रॉफिट बर्दाश्त करने पड़ेंगे। तो दिस इज द एंड ऑफ व्हाट द बेसिस पीरियड इज ऑल अबाउट। अब आपको कोई सवाल पूछने हैं।